त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोत्पवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सृष्टि के रचयिता परमपिता परमेश्वर श्री हरि नारायण के दिव्य चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक प्रणेता निर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पद्मश्री विभूषित साधु श्री कैलाश जी मानव साहब के दिव्य चरणारविंदों में सादर दंडवत प्रणाम। सहधर्मिणी गुरु माता पूज्य कमला देवी जी अग्रवाल के दिव्य चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। व्यास पीठासीन परम श्रद्धेय परम वंदनीय भागवत मर्मज्ञ आचार्य प्रवर परम पूजनीय गोविंद भैया जी महाराज के दिव्य चरणारविंदों में सादर दंडवत प्रणाम। नारायण सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवादूत सेवक प्रशांत भैया को हृदय से नमन। संस्थान के सेवा संकल्पों सेवा प्रकल्पों में शक्ति स्वरूपा आदरणीय वंदना भाभी जी को हृदय से वंदन। सेवा और आध्यात्मिकता के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए सेवा गंगा को और अधिक प्रवाहमान बनाने वाले हमारे ट्रस्टी एवं निदेशक महोदय परम आदरणीय देवेंद्र भाई चौबीसा को हृदय से नमन करते हुए सभागार में पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं बहनों के हृदय में विराजित राधा माधव की प्रतिमूर्ति को दंडवत प्रणाम करते हुए एवं सत्संग चैनल के माध्यम से देश विदेश में अपने घरों में बैठकर की कथा श्रवण कर रहे सभी भक्तों के हृदय में विराजित राधा माधव की प्रतिमूर्ति को दंडवत प्रणाम करते हुए मैं पधारे हुए सभी भक्तों का एवं सत्संग चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे सभी भक्तों का नारायण सेवा संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। सभी को जय श्री कृष्ण जय श्री राम जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान गंगा का सप्ताह व्यापी आयोजन सेवा गंगा के प्रवाह में अभिवृद्धि करने हेतु बाबा परमानंद की पुण्यदायिनी नगरी लोसल के प्रजापत भवन में आयोजित किया गया है। इस कथा के माध्यम से दिव्य प्रयास किया जा रहा है कि नारायण सेवा संस्थान के द्वार पर जितने भी दिव्यांग पीड़ित अवस्था में प्रतीक्षारत हैं, उनकी पीड़ाओं का अंत हो और प्रतीक्षा सूची की समाप्ति हो और सेवा गंगा के प्रवाह में वृद्धि हो, ऐसी लोक मंगल की भावना को हृदय में रखते हुए यहाँ के स्थानीय समस्त ग्रामवासियों के द्वारा और श्रीमान जगदीश प्रसाद जी प्रजापत के अथक प्रयासों के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। नारायण सेवा संस्थान जो कि विगत 32 वर्षों से भी अधिक समय से पीड़ित मानवता की सेवा में सतत निरंतर सेवारत है। 32 वर्ष पूर्व किसी भी एक रोगी की भूख मिटाने के लिए इस सेवा का सिलसिला शुरू हुआ। परम पूज्य परम वंदनीय साधु श्री कैलाश जी मानव साहब ने समस्त समाज के समक्ष हाथ फैला करके एक एक मुट्ठी आटा मांगना प्रारंभ करके इस सेवा का उदय किया। आप सभी ने इस प्रयास को इतना बल प्रदान किया, इतना सहयोग दिया, इतना प्रेम विश्वास दिखाया कि 32 वर्षों का सफर तय करते हुए इस सेवा की छोटी सी चिंगारी सेवा के विशाल महानतम प्रचंड महायज्ञ के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। नारायण सेवा संस्थान के द्वारा किसी दिव्यांग की संपूर्ण सेवा और उसके अलावा और भी बहुत से सेवा के प्रकल्प स्थापित किए गए। जैसे जैसे सेवा का कारवां बढ़ता गया सेवा की नई नई मंजिलें भी स्थापित होती गई। किसी भी दिव्यांग को ऑपरेशन के द्वारा सकलांग बनाने के उपरांत उसी दिव्यांग को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु कार्य प्रशिक्षण भी वहां पर प्रदान किया जाता है।
कार्य प्रशिक्षण के उपरांत जब दिव्यांग कोई काम करने में सक्षम हो जाता है तो उसको रोजगार से जुड़ने का कार्य भी नारायण सेवा संस्थान करती है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के बाद में, रोजगार प्राप्त कर लेने के बाद में, ऐसे दिव्यांगों को नारायण सेवा संस्थान के द्वारा समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु, सम्मान से जीवन जीने के लिए अग्रसर करने हेतु वर्ष में दो बार दिव्यांग सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करके दाम्पत्य सूत्र से भी बांधा जाता है और सम्मान से जीने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। अभी गत सितंबर माह में 8 और 9 तारीख को ऐसा ही महाआयोजन नारायण सेवा संस्थान के दिव्य प्रांगण में हुआ था, जिसमें अनेकों दिव्यांग जोड़े विवाह सूत्र में बंधे थे और नया जीवन प्रारंभ किया था। उस महायोजन में आप सभी का बहुत सहयोग रहा और आपके सहयोग, प्रेम और विश्वास के बल पे वो एक सफलतम आयोजन की श्रृंखला में शामिल हुआ। ऐसे आयोजन वर्ष में 2 बार होते हैं और आगे भी इसी प्रकार के आयोजन की रूपरेखा बन रही है, कार्यक्रम तय किया जा रहा है। आप इन सेवाओं में शामिल हो सकते हैं। दिव्यांग सामूहिक विवाह समारोह के लिए जो सेवाएं निर्धारित की गई हैं, उन सेवाओं में आप भाग ले सकते हैं। किसी भी दिव्यांग जोड़े के विवाह के लिए वेदी की रस्म आप अदा कर सकते हैं। किसी भी दिव्यांग जोड़े के हाथों पर जो मेहंदी लगती है उसकी भी एक निर्धारित शुल्क राशि तय की गई है, वो आप दे सकते हैं। और विवाह में सबसे बड़ा दान कन्यादान माना गया है, तो कन्यादान के स्वरूप में भी आप राशि प्रदान करके उसका पुण्य अर्जित कर सकते हैं। आज कथा का 6वां दिन है और आज कथा में भी परम पूज्य आचार्य श्री के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह का प्रसंग सुनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर आप भगवान के विवाह उपलक्ष्य में शामिल होते हुए दिव्यांग सामूहिक विवाह समारोह की सेवा भी प्रदान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए निरंतर टेलीविजन स्क्रीन पर आपके अपने संस्थान के जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर जानकारी आप प्राप्त करते हुए सेवा गंगा में शामिल हो सकते हैं। जो भी आप घोषणा लिखवाएं, कृपया शीघ्रता पूर्वक अपने नामों को लिखवाएं ताकि कथा मध्य में हम आपके नामों की घोषणा कर पाए। स्थानीय सभागार में विराजित दानदाता काउंटर पर संपर्क करते हुए सभी सेवा प्रकल्पों की जानकारी प्राप्त करते हुए अपना अनुदान दे सकते हैं। नारायण सेवा संस्थान के द्वारा नित्य प्रति वहां पर दिव्यांगों के ऑपरेशन किए जाते हैं। एक ऑपरेशन में 5,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। 5,000 रुपए आप प्रदान करके एक दिव्यांग के अंधकार में जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। यदि इससे अधिक करना चाहें, 2 ऑपरेशन के लिए 9,500, 3 ऑपरेशन के लिए 13,000, 5 ऑपरेशन के लिए 21,000 और इससे भी अधिक यदि आप करना चाहें तो कृपया करके काउंटर से संपर्क करते हुए सभी प्रकार के सेवा प्रकल्पों की आप जानकारी अवश्य प्राप्त करें। नारायण सेवा संस्थान में ऐसे भी रोगी आते हैं जिनका रोग बड़ा गंभीर होता है लेकिन उनके पास समय नहीं होता है, तो ऐसे रोगियों के लिए नारायण सेवा संस्थान ने, संस्थान के अध्यक्ष सेवक प्रशांत भैया ने पहल की और सेवा परमोधर्म ट्रस्ट स्थापित करके ऐसे रोगी, किसी को हृदय का रोग है, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है, रोग बहुत बड़ा होता है लेकिन खर्चा बहुत होना होता है, समय भी नहीं होता, ऐसे लोगों को सेवा परमोधर्म ट्रस्ट के जरिए आदरणीय प्रशांत भैया उनका इलाज भारत के किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में बिल्कुल निःशुल्क करवाते हैं। इन सेवाओं में भी आप भाग ले सकते हैं। आप नारायण सेवा संस्थान के नंबरों पर संपर्क करते हुए सभी प्रकार के सेवा कार्यों की जानकारी प्राप्त करते हुए किसी भी एक सेवा में भाग आप अवश्य लें। आइए अधिक समय न व्यतीत करते हुए मैं आपको लिए चलता हूं परम पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में। हम सब लोग गुरुदेव के दिव्य चरणारविंदों में अपने हृदय को समर्पित करते हुए ये आग्रह करें कि षष्ठम दिवस की पुण्यदायिनी शुभ कथा का आप अपनी ओजस्वी सुमधुर वाणी के द्वारा भक्तों को श्रवण करावें और भक्तों पर कृपा बनाए रखें। मेरे साथ जयघोष लगाएंगे, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव।
श्री परमात्मनै नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो कस्तूरीलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासागरे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कणकण सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ा अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विलसत गोपी सहस्त्रावृतम् हस्तन्यस्तनता पवर्गमखिलो दारं किशो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बहुत सुंदर भगवान की दिव्य दिव्य पावन ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण नारायण सेवा संस्थान उदयपुर विकलांग बच्चों के सेवार्थ ये सुंदर कार्यक्रम जिसका श्रवण हम और आप कर रहे हैं। बहुत सुंदर कल की लीला में भगवान किस प्रकार इंद्र के मान को मर्दन करते हुए और इंद्र के अभिमान को चूर करते हुए गोवर्धन की पूजा का सुंदर दिव्य दर्शन आपको और हमको करवाते हैं और मेरे प्रभु शिक्षा देते हैं कि हे जीव मुझे अभिमान प्रिय नहीं है। मुझे अभिमान निर्मल मन जन सो सबसे बड़ी कमी क्या है। जब हम कुछ नहीं होंगे तब तो फिर भी अभिमान करेंगे, किस पर करेंगे, पर थोड़ा सा कोई सम्मान मिल जाए, मान मिल जाए, हमें लगे कि सामने वाले को हमारी बहुत जरूरत है, ओहो बस अभिमान में एकदम चूर हो जाते हैं, हमारे बराबर कोई दूसरा है ही नहीं। आप देखो, अरे आप लोगों की बात छोड़ो, इस गद्दी पे बैठने वालों को देख लो, कल तक जो कुछ नहीं था और दो चार साल में गद्दी में बैठ करके थोड़ा प्रसिद्ध क्या हो जाए। महाराज वो ढंग से बात नहीं करता लोगों से, कल का बात नहीं करेगा, क्यों भाई क्या हो गया, कोई भगवान हो गया क्या इस गद्दी पे बैठने के बाद में, हा? है तो इंसानी, अब तो इंसानियत भी नहीं रही। जो
गरीब और अमीर के भेद में आ जाए, जो गरीब से बात न करे, छोटे को जिसका लाभ न मिल पाए, वो तो इंसान भी नहीं है। क्या धर्म का उपदेश करेंगे जब हमारे पास में मानवता का ही धर्म नहीं है। कल तक हमारी कोई औकात नहीं थी, आज हम थोड़े प्रसिद्ध क्या हो गए, बस हम एक दूसरे को पहचानते नहीं है। मेरे भाई, सबसे बड़ा धर्म इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही है धर्म हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही है धर्म हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही है धर्म हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही है धर्म हमारा। यही है धर्म है इंसान का इंसान से हो भाईचारा। और सजनों, अभिमान अगर जीवन में आ गया तो आप चाहे कितने भी महान क्यों न हो, भगवान को पसंद अभिमान नहीं है। भगवान को अभिमान न ब्रह्मा का अभिमान देख सके, न ब्रह्मा न महाराज इंद्र का अभिमान देख सके। और इंद्र की पूजा बंद करवा के गोवर्धन की पूजा करवाई, इंद्र ने पानी कैसे बरसाया 7 रात्रि 7 दिन तक, और बाद में भगवान ने उस पर्वत को वहीं स्थापित कर दिया। इंद्र को जब पता चला तो भगवान से क्षमा मांगने के लिए आया, गौ माता को साथ लेकर के आया, गौ माता को साथ लेकर के आया। और सजनों, जब गौ माता को आगे आगे करके इंद्र लाया तो मेरे प्रभु की आराध्य है गौ माता। देखिए, इंद्र से इतना बड़ा अपराध हुआ लेकिन गौ माता इतना बड़ा अपराध हुआ लेकिन गौ माता ने महाराज गौ माता की कृपा से इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, दाऊ दयाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। बोलो राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो। बहुत सुंदर सजनों, इंद्र के अभिमान को चूर करने के बाद जब इंद्र क्षमा का मांगता है, दशमी के दिन इंद्र आया, 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति करता है, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। देखो, ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की, फिर भी भगवान 4 शब्द नहीं बोले। इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की, भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि सजनों, इंद्र भले ही गोप ग्वालों को मारने की कोशिश की, लेकिन जो गोपी ग्वाल गायें हमेशा ये सोचते थे कि प्रभु हम आपका दर्शन कब करेंगे, जी भर के कब देखेंगे। उन गोपी ग्वालों ने जी भर कर के देखा, उन गोपी ग्वालों ने जी भर कर के 7 रात्रि 7 दिन तक देखा। यानी भक्त और भगवान को मिलाया,
मिलाने में अपराध भी हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त को भगवान से अलग करने वाले ब्रह्मा भी क्यों न हो, भगवान उससे बात नहीं करते। इस कथा के माध्यम से ये शिक्षा दी। इसके बाद में सजनों अब वो चरित्र प्रारंभ हो रहा है भागवत के दसम स्कंद के 29वें अध्याय का प्रारंभ होता है। यहां से महाराज की कथा प्रारंभ होती है। देखिए भागवत में 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक हैं, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। और इन 12 स्कंदों में जो दसम स्कंद है जहां से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वो दसम स्कंद भगवान का हृदय है। और दसम स्कंद में जो रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं, 29, 30, 31, 32 और 33, ये भगवान के 5 प्राणों की कथा है। तो रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय का पहला श्लोक, पहला संबोधन, भगवान पिता रात्रि शरदो पुलमल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया। भगवान ने उस रात्रि का स्मरण किया। कौन सी रात्रि का? जिसका वचन कामदेव को दिया, जिसका वचन गोपियों को दिया। लेकिन सजनों इस श्लोक में देखने की बात यह है कि इस श्लोक का जो प्रारंभ हुआ, महाराज का जो प्रारंभ हुआ, तो सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले क्या संबोधन किया? भगवान। मानो कहना चाहते हैं, हे परीक्षित, अब जो मैं तुम्हें कथा सुनाने जा रहा हूं वो किसी साधारण स्त्री और पुरुष के मिलन की कथा नहीं है, वो भगवान की कथा है। पर सजनों आजकल तो बहुत नकली भगवान घूमते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान कहते किसे हैं? आज तो हर आदमी अपने आप को भगवान ही मानता है, हर आदमी अपने आप को ब्रह्म ही मानता है और ब्रह्म के ब्रह्म में पड़ा हुआ है। ओम सोम ओम सोम ओम सोम, ये बोलना तो बहुत सरल है। ओम सोम बोलना तो बहुत सरल है, या मैं ब्रह्म हूं ये कहना तो बड़ा सरल है, लेकिन सजनों इसको जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। एक बार क्या हुआ, एक कोई ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म अधूरा अजल छलकत जाए। अब कोई ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुन लिया, मिल गए संत महात्मा, उससे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुन लिया और अपने आप को ब्रह्म मान करके ब्रह्म में पड़ गए। और महाराज हर जगह ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म है, अत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्म है, ऐसी बातें करना। एक बार क्या हुआ, एक कोई हाथी पागल हो गया। अब वो बैठा हुआ था, और भी लोग बैठे हुए थे, ब्रह्म का उपदेश चल रहा था, महावत चिल्ला रहा था, अरे भैया हट जाओ, हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया। बाकी जो लोग थे वो तो भागने लगे। उससे कहा, भाई बाबा जी तू भी चल। वो बोला, नहीं नहीं नहीं, क्यों चले, क्यों, मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, हाथी भी ब्रह्म, उसमें बैठा महावत भी ब्रह्म। अब हुआ क्या, बोले ब्रह्म से ब्रह्म को क्या डर। अब हुआ क्या, और तो सब भाग्य रिये बैठा रहा, वो हाथी आया और सूंड में पकड़ करके फेंका दूर, हाथ पांव टूट गए, ब्रह्म धरा रह गया। अब महाराज जहां से उपदेश सुना था वहां जाकर के वो कहने लगा, भाई आपने मुझे उपदेश दिया, सब जगह ब्रह्म है, शेर में ब्रह्म है, हाथी में ब्रह्म है, तो मैंने तो ब्रह्म, आप में भी ब्रह्म है गुरुदेव, मैंने आपकी बात मान करके और उस हाथी में ब्रह्म देखा, फिर मेरी ये दशा क्यों हुई। तो उन संत ने कहा, रे मूर्ख, तू ब्रह्म में नहीं, तू भ्रम में था, तू ब्रह्म में नहीं, तू भ्रम में था। बोले कैसे? बोले तूने हाथी में ब्रह्म देखा, साथ वालों में ब्रह्म देखा, तेरे खुद में ब्रह्म देखा, पर तूने उस महावत में ब्रह्म नहीं देखा, जो महावत तुझे बार बार कह रहा था कि हाथी पागल है हट जा, हाथी पागल है हट जा, क्या उसमें ब्रह्म नहीं था?
क्या तेरे को ब्रह्म ये नहीं कह रहा था कि हट जा, उसमें भी तो ब्रह्म था, पर तू तेरे अभिमान में चूर रहा। असी ब्रह्म, तुसी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म। तो भैया ब्रह्म ने उस महावत ब्रह्म का कहना नहीं माना, इसलिए हाथी रूपी ब्रह्म ने तुझ जैसे ब्रह्म को उठा करके फेंक दिया। तो आजकल तो हर आदमी अपने आप को ब्रह्म ही मानता है, भगवान मानता है। थोड़े से महाराज वैभव हुआ, संपत्ति हुई, अपने आप को भगवान। लेकिन सजनों, जो अपने आप को भगवान मानता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। भगवान कौन है? शास्त्रों में अनेक प्रकार से भगवान की व्याख्या की है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यश्चैव स भगवान इति कथ्यते। जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है, जिसके पास संपूर्ण धर्म है, जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है, वैराग्य है, स भगवान, वो भगवान है। वेतिम विद्याम अविद्याम च भूतानां अगतिं गतिं उत्पत्तिं प्रलयं चैव स भगवान इति कथ्यते। जो सारे संसार को बनाने वाला है, सारे संसार के रूप में बनने वाला है, वो भगवान है। जो सृष्टि करने वाला है, पालन करने वाला है, प्रलय करने वाला है, भूतों की गति को जानने वाला है, स भगवान, वो भगवान। साधारण भाषा में समझो तो जो तुच्छ थोड़ा कर सके वो इंसान, जो कुछ कर सके वो देवता, और जो सब कुछ कर सके वो भगवान। और सजनों, भगवान में कोई दोष नहीं होता, वो तो सर्वसमर्थ है। ऐसे भगवान की ये लीला है, किसी स्त्री और पुरुष के मिलन की लीला नहीं है महाराज, आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है परीक्षित। ये महाराज भगवान ने बांसुरी को माध्यम बना करके और बंसी के माध्यम से सुंदर गीत ऐसा गुनगुनाया कि जैसे ही गोपियों के कानों में जाकर के उस बंसी ने कहा कि तुम्हें भगवान बुला रहे हैं, गोपियां घर का सारा काम छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। मानो बांसुरी को दूत बना करके भगवान ने भेजा और गोपियों को उपदेश दिया कि गोपियों तुम्हें भगवान बुला रहे हैं। जो गोपियां जिस काम को कर रही थी उस काम को छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। हे परीक्षित, जरा एक नजर डालो कौन गोपी क्या कर रही है। दुहंत्यो भीयु काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोनि श्रित्य संयाव मनुद्वास्य परायु। कुछ गोपियां गाय का दूध निकाल रही थी और जैसे बंसी ने कहा कि श्याम बुला रहे हैं, दूध निकालना छोड़ा और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। कुछ गोपियां दूध निकाल करके ला रही थी और जैसे ही बंसी ने कहा कि भगवान बुला रहे हैं, बाल्टी को वहीं छोड़ा। और कुछ गोपियां तो हलवा बना रही थी, संयाओ हलवा बना रही थी, और महाराज पता ही नहीं चला कि कब चीनी डाली, कब वो घी डाला, सब मिक्स मार्क्स कर छोड़ छाड़ भागी महाराज जैसे भगवान की बंसी सुन। कुछ गोपियां लिम्पन्त्य प्रविजन्त्योन्या अन्जन्त्य काश्चलोचने। कुछ गोपियां लिम्पन्त्य लीप रही थी, क्या क्या लीप रही थी, चौका नहीं,
वो सात हफ्ते में गोरा बनने वाला, समझ गए? कोई गोरा हो सकता है? ऐसा करना भैंस के ऊपर लगा करके देखना, अगर भैंस गोरी हो तो मुझे बताना, फिर मैं भी लगाऊंगा। मेरे भाई, भगवान ने जो रूप दिया है वही रहेगा। अब आज के बच्चे पेट में तो कुछ खाते नहीं है, दूध पिएंगे नहीं, घी खाएंगे नहीं, फल खाएंगे नहीं, हरी सब्जी खाएंगे नहीं, और ब्यूटी पार्लर में जा जाके मुंह रगड़वा करके बंदर जैसा बना के आ जाएंगे। 5-7 हजार का खर्चा कर दिया, 500 रुपए का कोई फल फ्रूट नहीं खा सकते, लेकिन 5000 रुपए केवल ऊपर ऊपर रगड़वा करके सुंदर बनने के चक्कर में, और बात सुंदरता धूप में निकले सो सारी बह गई। अरे भाई, मेहनत करो, अच्छा खाओ पियो, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही सुंदर बनोगे, अपने आप ही महाराज। लिम्पंत्य लीप रही थी उपटनादि, पर जैसे ही बंसी ने कहा श्याम बुला रहे हैं, मन चोरी हुआ, तो महाराज जो चेहरे पे लगाना था वो पूरा बालों में लगा लिया, सफेद सफेद बाल हो गए। अंजन्ते काश्च लोचने, कुछ गोपियां आंखों में अंजन काजल लगा रही थीं, और जैसे ही काजल लगा रही थीं और बंसी ने कहा कि भगवान बुला रहे हैं, वैसे ही महाराज वो पूरी डिबिया का काजल निकाला, और निकालने के बाद में मुंह के ऊपर लगा लिया, भूल गई, लगाना आंखों में था पर लगा। ए, आज तो जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। भाई हमारे जगदीश जी, इनका बड़ा प्रयास रहा है इस कथा के लिए, और आज रुक्मिणी जी का ब्याह है, तो रुक्मिणी जी का बाप थे ही होगे, सापा सुपा परा रहे है। बोलो राधा रानी की जय हो। बहुत सुंदर सजनों, लिम्पन्ते प्रविजन्त्योन्या, लिम्पन्ते प्रविजन्त्योन्या अंजन्ते काश्च लोचने, कुछ गोपियां आंखों में काजल लगा रही थी, पूरा काजल निकाल के महाराज मुंह के ऊपर, व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, अस्त व्यस्त वस्त्र पहन करके उल्टे सीधे गहने वहने पहन करके ऊपर नीचे ऐसे ही, और दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। यानी सजनों, जब भगवान से प्रीत और प्रेम हो जाता है ना, फिर सजना और संवरना ध्यान में नहीं रहता है, हाँ, फिर सजना और संवरना ध्यान में नहीं होता, फिर जब परमात्मा से प्रीत हो जाती है, फिर तो उस जीव का सिंगार परमात्मा का सिंगार है, उसका प्रेम, उसका अपना, उसका प्रियतम, सब कुछ परमात्मा। गोपियां श्याम से मिलने के लिए दौड़ी, भगवान ने उनकी दशा ऐसी क्यों की? मानो भगवान शिक्षा देना चाहते हैं, हे जीव, मुझसे मिलने के लिए जरूरी नहीं तेरा चेहरा गोरा हो, तू सुंदर हो, मेरे से मिलने के लिए जरूरी है तेरा हृदय सुंदर हो, मेरे से मिलने के लिए जरूरी नहीं तेरे बाल काले हो, बस तेरे बाल चाहे कैसे भी हो, लेकिन तेरा हृदय काला नहीं होना चाहिए। मेरे से मिलने के लिए जरूरी नहीं कि तेरे वस्त्र बड़े चमकीले धमकीले हों, जैसा। पर आज के समय में मतलब के ये दुनिया वाले मुख जिनके गोरे दिल जिनके काले,
भगवान कहते तेरा चेहरा काला है तो चलेगा, लेकिन दिल काला है तो नहीं चलेगा। लेकिन मतलब के ये दुनिया वाले, मुख जिनके गोरे दिल जिनके, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। दो दिन के नाते को नाता कहें क्या, दो दिन के साथी को भ्राता कहें क्या, आखिर तो जाना है सबसे ही न्यारा, ना हम किसी के ना कोई। देख लिया दुनिया का सारा नजारा और ना हम किसी के ना कोई, कोई किसी का नहीं होता भाई दुनिया में। हाँ, बस यही शिक्षा दी है इस कथा के माध्यम से कि मन पवित्र होना चाहिए। तुम्हारा रंग कैसा है, रूप कैसा है, तुम्हारा हृदय का स्वरूप कैसा है, बस इसकी महिमा है। गोपियां भगवान से मिलने के लिए दौड़ी, भगवान के पास में पहुंची, उलावना दे रही है। बंसी बाजी श्याम की, जल जमुना के तीर, ब्रज बनता पागल अजी मनडो धरे। बंसी बाजी श्याम की, जल जमुना के तीर, ब्रज बनिता पागल भई मनडो धरे ने धी। और कहती क्या है, कानूड़ा थारी बांसुरी की तान प्यारी, कानूड़ा थारी बांसुरी की तान प्यारी लागी। पास नहीं होता, ये उस बांसुरी की तान के साथ ये तुम्हारे साथ हो जाता है, चोरी हो जाता है। सजनों बंसी है ही ऐसी, अपने राजस्थान में वो ग्वाले होते हैं ना, पेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले होते हैं ना, वो कभी कभी रात में बंसी बजाते हैं, उनको आती नहीं है बजानी, और छोटी सी बांसुरी होती है उनकी, वो रात में बजाते हैं। और कोई रात में खड़ा होता है, उसके कानों में पड़े कितनी मीठी लगती है, नींद नहीं आती, सुनने का मन करता है। अब जरा सोचो, जहां मेरे श्याम बजाने वाले हों और साक्षात मेरे श्याम की बंसी, आहा, जिसने मेरे श्याम के अधरों का रस पिया है वो बंसी हो और वो गोपियों के कानों में पड़ी हो,
गोपियों का मन कैसे धैर्य धारण करेगा। इसलिए गोपियां कहती हैं, मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू परिये बांसुरी बजाया ना जादू भरी बांसुरी मत बजाओ श्याम, जिसने हमारे मन को छुरा लिया। दौड़ करके भगवान के पास गई, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः, बजस्यानायम कश्चित् भूतागमन कारणम। आओ आओ गोपियों आओ, तुम्हारा स्वागत है। कहो कैसे आना हुआ, कोई ब्रज में संकट तो नहीं आ गया? तजन्ये सा घोर रूपा घोर संसेविता, अरे इतनी घनघोर रात्रि, स्त्री को तो दिन में भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए अकेले, और तुम रात्रि के समय वो भी जंगल में, ऐसी क्या बात होगी गोपियों? मात्र है पितर है पुत्रा, तुम्हारे माता पिता भाई बंधु तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। देखो गोपियां सब कुछ छोड़ करके आई हैं, फिर भी भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि कोई ममता तो नहीं है संसार में, क्योंकि भगवान कहते हैं जब तुम्हारी ममता सब ओर से छूट जाती है टूट जाती है, तब तुम मेरे प्रिय बन जाते हो, मैं तुम्हें गले से लगा लेता हूं। तो भगवान अपने लोगों ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, जो गोपियां सब कुछ छोड़ करके गई हैं, उन गोपियों की भी भगवान परीक्षा ले रहे हैं, पर गोपियों को किसी में ममता नहीं है, किसी में प्रेम नहीं है। अंत में भगवान कहने लगे, गोपियों मुझे पता है तुम क्यों आई हो, जरूर तुम्हारे पतियों से तुम्हारी खटपट हो गई है, और तुम मेरे पास में आई हो ताकि मैं समझौता करवा दूं, राजीनामा करवा दूं। गोपियों एक बात ध्यान रखना चाहिए, क्या? दूसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा, पति स्त्री फिर नहातव्यो लोके सुभिर पात की। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को समझे, हाँ, और दोनों एक दूसरे को समझते हुए और सजनों प्रेम से रहे। पति चाहे कैसा भी क्यों न हो, लेकिन पत्नी चाहे कितनी उससे ज्यादा होशियार हो सुंदर हो, पर कभी अभिमान न करे, हैं मेरे सामने क्या है, ऐसा नहीं, ऐसा भी क्यों न हो। दूसरी लो दुर्भग हो जड़ हो रोगी हो धनहीन हो, पतिव्रता स्त्री कभी अपने वैभव का सौंदर्य का अभिमान नहीं करती और कभी उसका त्याग नहीं करती, और जब त्याग नहीं करती तो बिना कुछ किए वो परम पिता परमात्मा उसको प्राप्त हो जाता है। सजनों चाहे देखो जब तक पति के पास में धन है, और तब महाराज कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया तो क्या दिया, जब मुसीबत का समय आए तब साथ दे, तब साथ देना कहा जाता है। इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपति काल परख एहि चारी, आपति काल परख एहि चारी, धैर्यवान हो ये आपत्ति के समय पता चलता है। धर्म
तुम कितने धर्म पर चलने वाले हो, ये भी आपत्ति के समय पता चलता है। मित्र कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया है, ये दर्द में ही पता चलता है। भगवान जो हमें दर्द देते हैं ना, वो देते इसीलिए हैं ताकि अपनों की पहचान हो जाए कौन अपना है कौन। ये छटनी करने के लिए भगवान दर्द देते हैं हमारे जीवन में, कि जब दर्द आएगा तो जो अपना होगा वो अपने पास आएगा और जो पराया होगा वो हा? नारी प्रतिव्रता नारी कभी भी संकट में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती, चाहे वो रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो। जड़ को जड़ भी कैसा, जड़ भी ऐसा कि पत्नी बोली स्वामी जी मेरे व्रत है 5 किलो फल लेके आ जाना। पति बाजार में गया और 5 किलो गायों को खिलाने वाली खल लेके आ गए, कल खा ले वो तो फल, बोली वो खल उठा के ले आया। अगर ऐसा भी पति है तो पतिव्रता स्त्री उसका त्याग। लेकिन देखो दोनों के लिए बात है, ये पत्नी के लिए तो पति के लिए भी है। गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिया हैं, एक का नाम है पति, एक का नाम है पत्नी। जब दोनों मिलकर के चलते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी मंजिल पर पहुंच जाती है, और एक कहे मैं दाएं जाऊं और एक कहे मैं बाएं जाऊं तो गाड़ी टूट जाती है मेरे भाई, बिखर जाती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना पति के पत्नी अधूरी है और बिना पत्नी के पति अधूरा है मेरे भाई। इसलिए कहते हैं ना कि जल बिन मीन, मीन बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जल बिन मछली मर जाती है, और अगर पानी में मछली न हो तो पानी गंदा हो जाता है। ऐसे मेरे भाई ये स्त्री और पुरुष का जोड़ा भगवान ने बनाया है, एक दूसरे का पूरक। और आज हम इस रिश्ते को समझते नहीं है, इसलिए लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, तलाक होते रहते हैं, पिछड़ते रहते हैं। तू तेरी जगह, मैं मेरी जगह, पति अपने अभिमान में, पत्नी अपने अभिमान में। पर मेरे भाई उनसे पूछो जिनका ये जोड़ा नहीं रहा, उनसे पूछो दर्द क्या होता है, या उनसे पूछो छोटी छोटी बातों को लेकर के जो जोड़े अलग हो गए, उनसे पूछो दर्द क्या होता है। इसलिए छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे लड़ना नहीं चाहिए, छोटी छोटी बातों पे अहम मैं बड़ा नहीं। मेरे भाई दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पतिव्रता स्त्री पति का कभी त्याग नहीं करती और पति कभी स्त्री का त्याग नहीं करता। दोनों के लिए बात कही है मेरे भाइयों। गोपियां भगवान से कहने लगी, प्रभु संसार के पतियों की सेवा किस लिए की जाती है, ताकि परम पिता परमात्मा रूपी पति को प्राप्त कर सके। संसार के पति क्या है, उस परमात्मा की एक फोटो। संसार के पति क्या है, उस परमात्मा की एक फोटो। जैसे कोई पति परदेश जाने लगा, गोपियों ने भगवान से कहा हमारे प्रश्न का उत्तर दो। एक पति जो महाराज उसकी पत्नी बिना खिलाए
चाय खाती नहीं थी, बिना पंखा किए सोती नहीं थी। जब वो प्रदेश जाने लगा तो पत्नी ने कहा, स्वामी जी बिना आपको खिलाए खाऊंगी कैसे, बिना पंखा किए सोऊंगी कैसे। तो पति एक अपनी फोटो लेकर के आया और फोटो ला करके दी, देवी इसको पंखा करके सो जाना, इसको खिला करके तुम खा लेना। बेचारा कमाने चला गया, पीछे से पंखा करके सो जाए, खिला करके खा ले। एक दिन की बात है, कई वर्षों के बाद दोपहर की भयंकर गर्मी में वो पति आया वापस। पत्नी उस फोटो को पंखा कर रही थी और वो असली पति आकर के दरवाजा खटखटा रहा है। अब न्यायाधीश जी ये बताओ, भगवान कृष्ण से गोपियां कहती हैं, उस पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए। एक तरफ तो वो पति की फोटो जिसको पंखा कर रही है, एक तरफ जो फोटो दे के गया था वो पति दरवाजे पे खड़ा है, क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, इतनी बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर, अरे उस फोटो की सेवा क्यों कर रही हो, जिसकी फोटो है उसको प्रसन्न करने के लिए। वो तो धूप में खड़ा, तुम फोटो को पंखा कर रहे हो, दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियों ने ताली बजा दी, बोले महाराज ये हमारी ही कथा है, हमारी ही कहानी है। क्यों, बोले संसार के जितने भी पति हैं इनकी सेवा पतिव्रता स्त्री इसीलिए करती है ताकि वो परमपिता परमात्मा रूपी पति प्राप्त हो जाए। और जब आप परमात्मा रूपी पति हमें मिल गए, इन फोटुओं की सेवा हम क्यों करें। भगवान ने कहा, गोपियों मेरी बात में तो मैं ही भगवान ने गोपियों का श्रृंगार किया। और सज्जनों जब श्रृंगार किया तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया, मन में सोचने लगी, अभी तो कह रहे थे लौट जाओ और अब कैसे देखो हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। और सज्जनों मेरे ठाकुर जी की विशेषता है कि जहां आता है अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान। गोपियों ने अभिमान किया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर हिते भगवती सहसैव रजांगनः। ब्रज की गोपिकाओं को छोड़ करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो महाराज गोपियां भगवान के विरह में रोती हुई उनको ढूंढ रही हैं। भगवान के साथ में राधा रानी थी, साथ में राधा साथ में थी। राधा जी कौन है, जीवाचारी है। राधा जी ने मन में सोचा कि जब तक गोपियों को मैं नहीं मिलूंगी तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे। तो राधा जी ने क्या किया, मान किया। देखो गोपियों ने अभिमान किया और राधा जी ने मान किया। मान में और अभिमान में क्या अंतर है। अभिमान तो उसको कहते हैं मैं कुछ हूं इसलिए सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी है, उसको कहते हैं अभिमान। कि पति बेचारा थोड़ा भोला हो और पत्नी या कोई कलेक्टर नहीं बन जावे, थोड़ी यहां ऊंची नौकरी नाकरी लाग जावे, बेचारे भी भोले भाले जीव ने बा टब्बर ही खिलवावे बात हो, बा काम करके ना कौन करेगा, देख मैं कुछ हूं, इसको कहते हैं अभिमान कि मैं कुछ हूं। अच्छा मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, हम कुछ हो और फिर अभिमान न करें, इसी को कहते हैं त्याग, इसी को कहते हैं त्याग। घर में फ्रिज है ही नहीं, है नहीं घर में मटका ही, और आप कहो साहब हम तो त्याग करते हैं ठंडा पानी नहीं पीते, पिए के बाप को सिर घो, घर में तो मटका की भी तो नहीं, कहीं का त्याग। हम उस चीज के लिए सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, हमारे पास सब साधन हैं, फिर भी हम उनका त्याग करते हैं, साधारण रहते हैं, इसको कहते हैं त्याग। और सज्जनों ये बहुत कम हो पाता है, ऐसा बहुत कम हो पाता है। हमारे पास कोई बल हो, ताकत हो, पावर हो, पैसा हो और फिर अभिमान न आए, इसको कहते हैं महाराज उसका अधिकारी, वास्तविक अधिकारी उसको कहा जाता है। अभिमान उसको कहते हैं कि मैं कुछ हूं इसलिए सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी है, इसको कहते हैं अभिमान। और मान किसको कहते हैं वो समझो, मैं किसी का हूं मेरा कोई है उसको कहते हैं मान। उदाहरण के लिए जैसे मानो किसी पत्नी के किसी पति की पत्नी का नाम है सावित्री,
अच्छा वो पति नींद में सोया सोया बोले गायत्री गायत्री गायत्री। अब उसकी पत्नी का नाम था सावित्री, सावित्री बगल में बैठी थी। सावित्री मन में सोचने लगी रात में गायत्री कहां से आ गई। गारंटी की बात है वो सावित्री गायत्री बोलने वाले पति को तुरंत जगाएगी। खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़ा तुरंत करेगी। क्या हुआ क्या हुआ, कौन है ये गायत्री कौन है? अरे अरे कौन सी गायत्री, अभी जिसको सपने में याद कर रहे थे, कौन है बोलो वो गायत्री कौन है? ये पत्नी का अभिमान नहीं है, मान है। कौन है वो गायत्री? मैं मुंह बाड़ दूं आग लगा दूं उसके में। क्यों 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 कह रही है वो? क्योंकि पत्नी कहती है मैं आपकी हूं आप मेरे हो, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। ये मान है, मैं आपकी आप मेरे और हम दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आए, ये मान है। और मैं कुछ हूं इसलिए सब मेरे पीछे पड़े हैं, ये अभिमान है। बंसी वालो सांवरो पलक ढाक तो है और ना मैं देखूं और को, ना तो है दे ए बंसी वाले श्याम, मैं तुझे पलकों के रास्ते से अपने हृदय के इस तिजोरी में बंद कर लूं, न मैं किसी और को देखूं ना तू किसी और को देख, ये मान है। गोपियों ने अभिमान किया, राधे जी ने मान किया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो सजनों गोपियां और राधे मिलकर के जो बड़े बड़े वृक्ष थे उनसे पूछने लगी, क्वचित कुर्ब का शोक नाग पुन्नाग चंप कहा, रामानुजो मानी नाम तो दर्प हरस्मित। अरे ओ प्रगत, अरे ओ अशोक, क्या तुम्हें हमारे श्याम दिखाई दे रहे हैं? तुम तो दूर तक देख सकते हो, तुम्हें हमारे श्याम दिखाई दे रहे हैं? हवा का झोंका आया, मानो बरगद ने पीपल ने अशोक ने कहा तुम्हारे श्याम हमें दिखाई नहीं दे रहे। एक गोपी बोली, बहन तू कौन ते पूछ रही है? क्यों ये पुरुष जाति के पौधे ये निष्ठुर हैं, ये हमारा दर्द कैसे समझेंगे? हमारा दर्द तो कोई कोमल हृदय वाली स्त्री जाति के कोई पौधे हैं वही समझ सकते हैं, क्योंकि स्त्री का दर्द तो स्त्री समझ सकती है। तो अब गोपियों ने स्त्री जाति के पौधों से पूछा, क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण सहद्वाली कुले विभ्रत प्रियोचित। अरे तुलसी तुम तो भगवान के प्राणों से प्यारी हो, सदा भगवान के चरणों में रहती हो, तुम्हें तो पता ही होगा दिखाई दे ही रहा होगा कि हमारे परमात्मा कहाँ है कृष्ण कहाँ है। हवा का झोंका आया, तुलसी हिली, मानो तुलसी ने कहा मुझे नहीं पता। एक गोपी बोली, बावरी तू कौन ते पूछ रही है? क्यों जे हमें बताएगी कहाँ कि हमारा भगवान कहाँ है? क्यों जे तो हमारी सोत है, जे तो जी चावेगी हम ऐसी रोती रहे तड़पती रहे, तू कौन ते पूछ रही है? और सोत तो आटे की भी बनी हुई बुरी होवे भाई, आटे की बनाकर के कह दे कोई आदमी ये मेरी पत्नी है, गारंटी की बात है घरवाली उसको तोड़ के फेंक देगी। अच्छा आग लगा दूं मैं इसके, इतनी बुरी लगती है भाई। तो ये तो खुश है कि अच्छा है भगवान हमें छोड़ करके चले गए, ये हमें क्यों बताएगी? इसके बाद सजनों देखो, जब हम किसी से प्रेम करें और वो हमें न मिले तो एक अंतिम रास्ता रहता है क्या? रोना और गुनगुनाना। गोपियों ने सारे प्रयास कर लिए,
जैसे जो रासलीला आप देखते हैं, ये रासलीला सबसे पहले गोपियों ने प्रारंभ की, गोपी कृष्ण बन करके सारी लीला, फिर भी भगवान नहीं मिले, तो अब गोपियों ने जो रोते हुए गीत गाया जिसको कहते हैं गोपी गीत, इस गोपी गीत में 19 श्लोक हैं, 18 श्लोक गोपियों के समूह ने, झुंड ने गाया है और 19वां श्लोक स्वयं श्री राधा रानी ने गाया है। गोपियां कितनी है इसकी कोई गिनती नहीं है, 18 गोपियों के समूह है। आइए एक दो श्लोक गुनगुना लेते हैं। जयति ते अधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा हमारे इस वृंदावन की महिमा इतनी क्यों है। दुनिया में बन तो बहुत है, दुनिया में बहुत बन है, लेकिन जो महिमा वृंदावन की है वो दूसरे बन की। वृंदावन सो वन नहीं और नंद गांव सो गांव, बंसीवट सो वट नहीं श्री राधे क्यों? ऐसा क्या है वृंदावन में? ते जन्मना, आपने अवतार लिया इसलिए ब्रज मंडल की ऐसी महिमा, वृंदावन की ऐसी महिमा महाराज हो गई। जिस लक्ष्मी के लिए सारी दुनिया लालायित होती है, श्रयति इंदिरा, वो लक्ष्मी ब्रज मंडल में लोटपोट हो रही है, वृंदावन में लोटपोट हो रही है महाराज। इसीलिए कहते हैं वृंदावन में महाराज भिखारी भी आपको लखपति मिलेगा, कंगाल नहीं मिलेगा। और मंदिरों में जाओ भिखारी पीछे भागते हैं, लेकिन वृंदावन के भिखारी पीछे नहीं भागते, लोटपोट हो रही है लक्ष्मी। वृंदावन में कोई भूखा नहीं रह सकता, प्यासा नहीं रह सकता, राधा रानी सबको खाने के लिए महाराज देती है, रहने के लिए देती है। इसलिए देखो बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा की कितनी विधवा माताएं वृंदावन में रहती हैं, लाखों, और सबका पेट राधा रानी भरती हैं। हे प्रभु हम तुम्हारी हैं, दयति दृश्यता, एक बार दया की दृष्टि से देखो, हम आपकी हैं। ताव कहा हम तुम्हारी हैं, बिना मोल की दासी हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहे, ओ मेरे भगवान, तुम हमारे हमारे हो।
पाप की हैं, आप भगवान ने कहा गोपियों मैं प्रकट तो हो जाऊं लेकिन तुम्हारे हृदय में अभिमान आ गया कैसे। गोपियों ने कहा प्रभु जब जमुना में कालिया आया था आपने क्या किया, अपने पैरों से उस कालिया को मार मार करके लातों से भगा दिया। हे ठाकुर हमारे हृदय रूपी जमुना में अगर अहंकार रूपी कालिया आ गया तो हे ठाकुर आप अपने चरणों को पधरा दो, ये अहंकार रूपी कालिया अपने आप भग जाएगा। लेकिन ठाकुर हमें छोड़ो मत। जब गोपियां विरह से कातुर होकर के और श्याम विरह में रोने लगी, प्रेम में रोने लगी, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चित्रधारुरुधु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में गोपियां जब रोने लगी सस्वर, परीक्षित ने कहा महाराज रोना भी स्वर में होता है क्या। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित दुनिया के लिए हंसना भी बेसुरा है गाना भी बेसुरा है लेकिन परमात्मा के लिए रोना भी स्वर में होता है। देखो दुनिया के लिए रोवो अपने नैन खोवो, लेकिन भगवान के लिए आज तक जो रोया है चाहे वो मीरा हो कबीर हो सूरदास हो रहीमदास हो मेरे परमात्मा दौड़ करके आए हैं। इसलिए भक्त कहते हैं कुछ दे या ना दे श्याम इस अपने दीवाने को दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। क्यों नरसी ने बहाए थे मीरा ने जब जब भी कोई रोया तुम दौड़ के आए थे। जब जब भी कोई रोया तुम दौड़ के आए थे। पूरा कर दे आंसू हर एक हर जाने को दो आंसू तो दे दे चरणों में चढ़ाने को। आज गोपियों ने भी जब श्याम प्रेम में अश्रुपात किया रोने लगी गीत गाने लगी गुनगुनाने लगी तो सजनों भगवान का हृदय विभूत हुआ प्रकट हो गए। सोचा अब प्रकट नहीं होगा तो गोपियों के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए एक गोपी ने भगवान का पीताम्बर पकड़ा दुपट्टा पकड़ा हाथ पकड़ा मालाएं पकड़ी। एक गोपी ने तो भगवान को इस आंखों के रास्ते से दिल की तिजोरी में उतार करके और मानो आंखों को बंद करके फाटक बंद कर दिया हो और मानो कह रही हो प्रभु अब दिल से भाग करके दिखाओ। ज्यादा भागने वाले बन रहे हो तो भाग करके दिखाओ दिल से। जैसे बिल्व मंगल जी की जब आंखें फूट गईं और वो एक गड्ढे में गिर पड़े तो भगवान छोटा सा रूप बना करके आए और आकर के उनको गड्ढे से निकालते हैं कांटों से निकालते हैं सही रास्ते पर लेकर के आए। भगवान ने भगवान का बिल्व मंगल जी ने हाथ पकड़ लिया कस करके। भगवान बोले बाबा छोड़। बिल्व मंगल जी कहने लगे लाला मैं ना छोड़ू। क्यों अरे तेरे को पकड़ने के लिए तो मैं कब से भाग रहा हूं कब से दौड़ रहा हूं कब से खोज रहा हूं मैं नहीं छोड़ू। अरे बाबा छोड़ मेरी मैया मारेगी। अरे बाबा छोड़ मैं ना छोड़ू।
और भगवान ने एक झटका दिया, हाथ छुड़वा करके भागने लगे। और जब भागने लगे तो बिल्व मंगल जी ने कहा, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मो, जब हृदय से जाओगे तो सबल मानूंगा। हे ठाकुर, क्या इस अंधे से हाथ छुड़ा करके जा रहे हो? इतने ताकतवर हो, बलवान हो, पावरफुल हो, तो मेरे हृदय से जाकर के दिखाओ, मैं प्रबल मानूंगा, सबल मानूंगा। क्या अंधे से हा? भगवान तुरंत दौड़ करके वापस आए, बाबा अपने आप को अंधा मत बोल। और दोनों आंखों पे हाथ घुमाया, दोनों आंखें आ गई महाराज बिल्व मंगल जी की, दोनों आंखें आ गई। बिल्व मंगल जी ने भगवान को खूब निहारा, खूब देखा, फिर कहा, प्रभु अब एक वरदान तो दे दो। क्या? ऐसे ना मांगू मेरे सर पे हाथ रख करके सौगंध खाओ कि मांगूंगा वही दोगे। अरे बोल दिया ने दूंगा, ऐसे नहीं, पहले सौगंध खाओ। जब सौगंध खाई तब कहा, ऐसो करो जी मेरी दोनों आंखें वापस फोड़ दो। अरे बाबा जी का मांग रो है? अरे आंखें लोग मांगते हैं, आपको मैंने आंखें दे दी, आप करो फोड़ दो। बिल्व मंगल जी कहते हैं, कोई सावन में अंधा हो तो उसको हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, सूखे में अंधा हो तो सूखा सूखा दिखाई देता है, और मैं आपको देखते देखते अंधा होना चाहता हूं ताकि मुझे आप ही आप दिखाई दो, और कुछ दिखाई ही नहीं दे। बस। और भगवान तो सौगंध खा चुके थे, इसलिए आंखों पर हाथ घुमाया, फिर आंखें भगवान ने वापस ले ली। तो जैसे बिल्व मंगल जी ने कहा हृदय से जाकर के दिखाओ, ऐसे गोपियां कहती हैं, आप हमारे हृदय से भाग करके अब दिखाओ। उसके बाद सजनों ज्यादा विस्तार न करते हुए सुंदर महाराज गोपिकाओं के साथ में भगवान का हुआ। ये महाराज क्या है? एक एक गोपी एक एक कृष्ण है परीक्षित। जैसे कोई शीशे के महल में बालक अपनी ही छाया को, प्रतिबिंब को देख करके नृत्य कर रहा हो, ऐसे ही परमात्मा बिंब है और गोपिकाएं उसका प्रतिबिंब है, छाया है। ये कोई साधारण स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ये बात सुखदेव जी महाराज ने बार बार कही है। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य च, अवतीर्णो हि भगवान अंसेन जगदीश्वर। हे भगवान, परमात्मा का तो अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है। महाभारत में भी भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य गलानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और रामायण में भी भगवान कहते हैं, जब जब होइ धर्म के आने, जब जब होइ धर्म के हानि, जब जब होइ धर्म के हानि, जब जब होइ धर्म के हानि। वही बात भगवान गीता में, रामायण में और भागवत में वही बात कही है।
परीक्षित ने कहा महाराज धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं, अधर्मियों को नष्ट करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो फिर स कथम धर्म से तू नाम वक्ता करता भी रक्षिता प्रतीप माचरद ब्रह्मन परदारा विमर्शनम। परदारा विमर्शनम, भगवान गोपिकाओं के साथ में स्त्रियों के साथ में नृत्य करते हैं। भगवान ये कैसी धर्म की स्थापना? सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं है, पर तुम ये प्रश्न इसलिए कर रहे हो क्योंकि आने वाले कलयुग में लोग इन कथाओं को सुनकर के शिक्षा तो नहीं लेंगे, उल्टी बातें करेंगे, समझेंगे नहीं, रहस्य को नहीं समझेंगे, उल्टा सीधा महाराज बोलेंगे करेंगे। इसलिए तुमने पहले ही इस प्रश्न को उठाया है ताकि उन बोलने वालों को उत्तर मिल जाए। हे परीक्षित, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम तेजी असाम दोषाय वने सर्वभुजो यथा। परीक्षित, जो सर्वसमर्थ है वो परमात्मा, ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म का उल्लंघन हो रहा है लेकिन होता नहीं है। क्यों? सूर्य की किरणें किसका स्पर्श नहीं करती? पर कोई बोलता है कि सूर्य हमको छू करके गया? बोला क्यों? सर्व समर्थ है। गंदगी में भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, कभी गंदी नहीं हुई, अच्छी जगह भी गिरती है। हवा सर्व समर्थ है, हर जगह से निकलती है, कोई कुछ बोलता है? अग्नि मुर्दे को भी जलाती है, हवन भी होता है। गंगा मां जिंदा भी बहता है, मुर्दा भी बहता है। बस ऐसे ही परमात्मा सर्व समर्थ है और उनका जो कार्य है उसको अगर साधारण दृष्टि से देखो तो दोष प्रतीत होता है लेकिन दोष होता नहीं है। समरथ को नहीं दोषी को साई रवि पाप सुर सरी पावक सुर शरी की नाई रवि पावक सुर शरी की नाई रवि पावक सुर शरी की नाई समरथ को नहीं दोष गोसाई समरथ को नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर शरी की नाई रवि पावक सुर शरी की नाई समरथ को नहीं दोष गोसाई जो सर्व समर्थ है उसमें दोष नहीं होता। जो किसी को जीवित कर सकता है ना वो प्राण भी ले सकता है, पर जो जीवित नहीं कर सकता उसे प्राण लेने का भी कोई हक नहीं है। और परीक्षित मैंने तुम्हें प्रारंभ में ही कहा था इस महाराज को प्रारंभ करने से पहले कि हे परीक्षित ये कोई स्त्री और पुरुष के मिलन की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है। अच्छा हमारे में भगवान में अंतर क्या है? कोई कहे साहब भगवान भी तो जब आए हमारे जैसे ही दिखते थे, तो हमारे में भगवान में क्या अंतर है? हम भगवान क्यों नहीं है? हमें जीव क्यों कहते हैं? ये बात को समझो। देखो एक होती है गंगा जी, हाँ उसमें से लोटा भर करके हम जल लेकर के आए उसको क्या बोलेंगे? गंगा जल। एक है गंगा जी एक है गंगा जल, दोनों में अंतर क्या है? जो जीव में और भगवान में अंतर है वही गंगा में और गंगा जल में अंतर है। ये जीव क्या है? गंगा जल। भगवान क्या है? गंगा। आप कहोगे अंतर क्या है? अंतर को समझो। गंगा जल आप लेकर के आए, कुत्ते ने मुंह लगा दिया, पीवोगे? चिड़िया ने बींट कर दी, पीवोगे उस गंगा जल को?
नहीं पी सकते क्योंकि गंगा जल में दोष आ गया, लेकिन उसी गंगा में कुत्ता जिंदा भी बह रहा है, मुर्दा भी बह रहा है, फिर भी पी रहे हैं, नहा रहे हैं, क्योंकि गंगा में दोष नहीं आता। बस इस जीव में दोष आ सकता है, गंगा जल में दोष आ सकता है, लेकिन गंगा में दोष नहीं आता, क्योंकि गंगा सर्वसमर्थ है मेरे भाई। तो जैसे गंगा और गंगा जल में अंतर है, ऐसे उस परमात्मा में और इस जीव में अंतर है। इसलिए मेरे भाई कभी भगवान की बराबरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई कहे नहीं नहीं भगवान ने किया हम भी करेंगे, तो जहां से शुरुआत की वहीं से करो ना। भगवान जेल में पैदा हुए, प्रकट हुए, आप भी हाँ, अब हम तो हो गए, चलो ठीक है। भगवान ने 6 दिन की अवस्था में कालकूट जहर खाया, आप 26 साल के, 36 साल के, 46 जितने भी साल के हो, खा के देखो बच्चों, तो आगे की सोचना नहीं तो है, वो तो नहीं हो सकता, तो फिर ये भी नहीं हो सकता है। भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 रात्रि 7 दिन तक अपने बाएं हाथ की कन्नी उंगली पर 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत उठाया। तुम 70 किलो का पत्थर ही उठा लो, 7 रात्रि नहीं, 7 मिनट ही उठा लो, और उंगली से नहीं, दोनों हाथों से उठा लो, ये तो नहीं हो सकता, तो फिर वो भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो करो मेरे भाई, बराबरी करने की कोशिश मत करो। इस कथा की फलश्रुति बताई भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 40वें श्लोक में। विक्रीडितम् विक्रीडितम् व्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो शृणुयादथ वर्णयेत् यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामम् जो इस कथा का श्रवण करता है, इस महाराज की इस लीला का श्रवण करता है, भक्ति और भाव से हृद्रोग मासुपैनो त्यचिरेण धीरः, उसका हृदय का रोग समाप्त हो जाता है। हृदय का रोग क्या है? काम। तो जो काम को समाप्त करने वाली लीला है वो किसी कामी और कामनी की नहीं हो सकती मेरे भाई, वो तो इस आत्मा और उस परमात्मा के मिलन का नाम है महारास। रसो वही सह रास है, रसानाम समूह है राशह, जहां आत्मा रूपी अनेक रस उस परमात्मा से मिलते हैं, उस मिलन का नाम है महारास। और दूसरा भाव, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, समस्या रहती है, उनको भागवत के 10वें स्कंद के 29, 30, 31, 32 और 33 इन 5 अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार सुंदर महाराज की लीला का वर्णन किया गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकदा देव यात्रायाम गोकाला गोजात कौतुकः अनुभिरनुद्युक्ते प्रयुस्ते अम्बिका वन। एक बार नंद बाबा अंबिका वन में गोप वालों के साथ में गए, भगवान कृष्ण भी थे। एक अजगर ने बाबा को पैरों की ओर से पकड़ करके खींचना शुरू किया, अपने अंदर लेकर जा रहा है। अब देखो भगवान पास में सो रहे हैं लेकिन खड़े नहीं हुए, क्यों? बाबा बुला तो रहे हैं लेकिन किसको? गोप वालों को, कन्हैया को बुलाया ही नहीं। और भगवान कहते हैं, हे जीव, ये काल तुमको धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा है। क्या शिक्षा दे रही है कथा? ये काल तुमको अपनी ओर खींच रहा है, इस काल बलि के मुंह से बचना हो और मेरी दया तुम्हें प्राप्त करनी हो तो दया का उल्टा करो, दया याद, मुझे याद करो। अरे भैया, दुनिया के साधारण ये मरने वाले जो जीव रिश्तेदार हैं, ये भी बिना याद किए कोई तुम्हारे यहां आता जाता है क्या? हाँ,
याद करना पड़ता है, कोई खास हो तो फोन करना पड़ता है, और कोई खास हो तो जाके लेके आना पड़ता है, और बाद में भी नखरे और देखो जवाई भाइयों के नखरे थे पूछो ही मत। अगर पहले छोटे जवाई के तिलक निकाल दे तो बड़ा वाला उछल जाता है। हमारे पहले नहीं निकाला, अब हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहां, हमारे क्या इज्जत नहीं है। और इसीलिए कहते हैं जवाई और जमराज में ज्यादा अंतर नहीं होता, इसीलिए कहते हैं कोई जवाई भाई आया हुआ बैठा हो तो पूरा मत मान जाना। हाँ, हमारे जगदीश जी कहेंगे लो हमारे जवाइयों को नाराज कर दिया। ये बात तो देखो अपने भजन नहीं गाते हैं, माने अब के बचा ले मारी माई बटाउड़ो आयो हो। बटाऊ किसको कहते हैं मारवाड़ी में? जवाई को कहते हैं ना। और वहां बटाऊ किसको कहा है? यमराज को, कि यमराज लेने के लिए आया है, माँ हमें बचा ले। यानी जमराज की संज्ञा किससे की है? जवाई से। जानते हो क्यों? क्योंकि जवाई और जमराज में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही नाराज होने के बाद मनाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, और दोनों ही किस बात में नाराज होंगे कोई पता नहीं है। अच्छा, लोग जमराज से क्यों डरते हैं जानते हो? क्योंकि जमराज के पास में आत्मा रहती है। और जवाई से क्यों डरते हैं जानते हो? क्योंकि जवाई के पास में बेटी रूपी आत्मा। जवाई से कोई नहीं डरता है, जवाई इस भ्रम में गलत है कि लोग मुझसे डर रहे हैं। जवाई के पास में वो बेटी रूपी आत्मा है, इसलिए बाप भी डर रहा है, माँ भी डर रही है, भाई भी डर रहे हैं कि हमारी आत्मा को कुछ नहीं कह दे, ये हमारी बेटी को हमारी बहन को कुछ नहीं कह दे। उस आत्मा के कारण डर रहे हैं। और जवाई सोचता है मेरे से डर रहे हैं। हाँ हाँ, अगर जवाई से ही डर रहे हैं तो भगवान न करे कोई किसी की बेटी दुनिया में न रहे, और उसके बाद जब जवाई उनकी यहां आए तो देखना जवाई की क्या दशा होती है। जवाई ऐसे घूमता फिरता रहता है जैसे ब्याह बिगड़ने के बाद में नाई घूमता, ऐसे जवाई घूमता रहता है, कोई पूछता ही नहीं उसको बेटी के जाने के बाद। हाँ, क्योंकि डर बेटी तक ही था, इसलिए जवाई और जमराज की संज्ञा। देखो कोई नाराज मत हो जा, चार दिन को कार्यक्रम और है भाई, नानी भाई को मायरो भी सुननो है, कथा का तो कल विश्राम हो जाएगा, फिर नानी भाई का मायरा। आप लोगों के तो जवाई भी बहुत अच्छी है, आप लोगों की बात तो 16 तारीख से कलकत्ते में जाकर के बोलूंगा, यहां थोड़ी बोलूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सजनों, व्यक्ति काल के गाल में जा रहा है, दुनिया को याद करेगा, दुनिया भी बिना याद के हमारी नहीं सुनती, नहीं आती, बात बात पे रूठती है। अब भगवान बिना याद के हम पे दया कैसे करेंगे, जरा सोचो। ये कथा यही संकेत कर रही है कि देखो नंद बाबा ने जब तक कन्हैया को याद नहीं किया, वो अजगर बाबा को निगलता चला गया, काल निगलता चला गया, कुछ नहीं बोले। लेकिन जब केवल बाबा का मुंह मुंह बाहर रह गया और देखा अब तो मैं मरूंगा, तब महाराज कन्हैया का याद आई। और कन्हैया की याद आती कहते हैं, सह चुक्रो साहिनाग्रस्त कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पो माम रससे तात प्रपन्नम परिमोचय। हे कृष्ण देखो ये अजगर मुझे निगल रहा है, तुम सो रहे हो। और जैसे ही कहा ये अजगर मुझे निगल रहा है, कन्हैया खड़े हुए, एक लात मारी अजगर को खींच करके, सोई अजगर का कल्याण हो गया और अजगर दिव्य रूप धारण करके महाराज प्रकट हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुंदर रूप धारण करके सामने प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, भाई ओ भगवान तुम कौन हो? तो अजगर कहता है, क्या बताऊं, अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः
दिया स्वरूप संपत्तियामाने ना चरम विषय। मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं। भाई तेरी ये दशा कैसे हुई जरा ध्यान से सुनना। वो कहता है महाराज क्या बताऊं, विद्याधर था, सुंदर था, बढ़िया विमान था, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। फिर मैं कुरूप महात्माओं को देख करके और उनकी हंसी उड़ाने लगा। मैं क्या और मेरे पास ऐसा देखो। और महाराज ये दशा हो गई। इसका मतलब समझे, जब विद्याधरों की ये दशा हो सकती है तो आपकी हमारी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। ये कथाएं बार बार सज्जनों हमें संकेत कर रही है कि भैया तुमको कोई धन मिला है, ज्ञान मिला है, सम्मान मिला है, वैभववान तुम बने हो, वैभव मिला है, तो अभिमान मत करो। जो मिला है उसका सम्मान करो, जो परमात्मा ने दिया है उसका सम्मान करो, अभिमान मत करो, क्योंकि अभिमान पतन का कारण होता है। और मेरे भाई जिस चीज का हमारे पास अभिमान आएगा, भगवान ने ताकत दी है उसका सदुपयोग करेंगे वो ताकत बढ़ेगी, और दुरुपयोग करेंगे तो रावण जैसे महाबलियों की ताकत भी मट्टी में मिल गई। आपकी हमारी औकात क्या है मेरे भाई? ले डूबा रावण का अहंकार, रावण को अभिमान ले डूबा, रावण जैसे बलि भी समाप्त हो गए। इसलिए मेरे भाई जीवन में अभिमान का त्याग करना चाहिए। जितना ऊंचा पद हमें मिले उतना ज्यादा हमारे जीवन में झुकना आना चाहिए, यही उस पद का सम्मान है। लेकिन हमारे जीवन में झुकना नहीं आता, हमारे जीवन में तो अकड़ना। युगल गीत का सुंदर वर्णन किया गया, अरिष्टासुर के उद्धार का वर्णन किया गया। एक दिन की बात है, नारद जी महाराज कीर्तन करते हुए कंस के आए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण गुरुदेव आप तो संभालते ही नहीं हो। अरे गुरुदेव मैं तो मुसीबतों में फंसता ही जा रहा हूं, क्या हुआ? बोले गुरुदेव मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो आठवां आठवीं हुआ कैसे। नारद जी ने कहा बेटा बिना गुरुओं के थोड़ी समझ में आता है, तो गुरुजी आपको समझ में आ गया? बोले हम तो आज तक उसी को समझ रहे थे, अब समझ में आ गया, क्या रहस्य है? तो नारद जी कहते हैं बेटा तेरे साथ में छल हो गया, कपट हो गया। कैसे? यशोदायाः सुताम कन्याम देवक्याः कृष्णमेव च रामं च रोहिणीं पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। अरे जो वो लाला है ना वो तो देवकी का है, वो कन्या तो यशोदा की थी। वसुदेव जी महाराज ने ये सारा छल किया है। अच्छा वसुदेव जी ने छल किया है, तलवार निकाली मार डालो, रे रुक 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 जल्दी मत कर, आठवां आठवीं बन सकता है तो यहीं प्रकट होके तेरे को मार सकता है, तो गुरुदेव क्या करूं? उन दोनों को बुला करके खत्म कर दे। अरे गुरुजी कैसे बुलाऊं, कैसे क्या करूं, जो राक्षस भेजता हूं वो मर जाता है, भेज मत बुला।
हाँ गुरु जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बेटा बिना गुरुओं के थोड़ी सोचा जाता है। अब सोच बुला और इधर भगवान से जाकर के कहा, प्रभु मैं परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। ये फुटकर काम कब तक करते रहोगे? थोक में राक्षस मारो, फुटकर नहीं। बोले महाराज फुटकर तो शहर में ही काम होगा, गांव में तो होगा नहीं। फुटकर तो थोक का काम तो शहर में होगा, गांव में तो होगा नहीं। शहर जाने की योजना बनती नहीं है। नारद जी कहते मैंने बना दी योजना, चिंता मत करो, आ रहे हैं आपको लेने के लिए, परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। नारद जी ऐसे संत हैं जिनको कंस भी प्रेम करते हैं, कृष्ण भी प्रेम करते हैं। क्यों? हमको अच्छा कौन लगता है जो हमारी हां में हां मिलाए, वही अच्छा लगता है। नारद जी का काम है हां में हां मिलाना। चोर ने कह लाग और साहूकार ने कह जाग आयो, वही अच्छा लगता है। कंस को कहा बुला ला और कृष्ण से कह दिया मार डाल। अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को बुला करके महाराज कंस ने हाथ मिलाया, हाथ मिलाया अक्रूर जी से, झुका कंस। अक्रूर जी घबराए, क्यों? सजनों दुष्ट व्यक्ति झुकने भी लग जाए तो भी मामला गड़बड़। देखो धनुष झुकता है तो सामने की जान लेता है, बंदूक का घोड़ा झुकता है तो जान लेता है, बिल्ली झुकती है तो शिकार करती है, शेर झुकता है तो, यानी सज्जन व्यक्ति से दुश्मनी भी हो जाए तो गड़बड़ नहीं, और दुष्ट व्यक्ति से दोस्ती भी हो जाए तो भी गड़बड़। बरभल वास नरक करता था, दुष्ट संग नहीं देय विधाता। नरक का वास दे दे लेकिन विधाता दुष्ट का साथ। कहते हैं पतली गली से जा रहे हो, सामने शेर आ जाए, वापस दौड़ने लगो, गांव का दादा आए और वो कहे मैं तुमको बचा लूंगा, तो किधर जाना? बोले उस शेर की तरफ चले जाना, गांव के दादा की तरफ नहीं। क्यों? बोले शेर पहली बात तो बिना मौत आए खाएगा नहीं, और खा भी गया तो एक बार खा के छुट्टी कर देगा, लेकिन गांव का दादा तुम्हें बचा भी लेगा तो तिल तिल करके मारेगा, कभी झूठी गवाही दिलाएगा, कभी महाराज कहीं लेकर के जाएगा। तुम मना करोगे तो क्या बोलेगा? अच्छा बेटा भूल गए उस दिन, तुम्हारी जिंदगी हमारी गिरवी रखी हुई है, ऐसा तरफा तरफा के मारेगा। इसलिए कहते हैं दुष्ट संग नहीं दे विधाता। अक्रूर जी ने कहा महाराज काम बताओ। बोले काम यह है उन दोनों को बुला करके लाना है, उन कांटों को उखाड़ करके फेंकना है, आधे आधे राज्य के अधिकारी बनेंगे। अक्रूर जी समझ गए कि इस दुष्ट को मना करूंगा तो ये मार डालेगा, और भगवान तो अंतर्यामी परमात्मा, इस दुष्ट की मौत आ गई इसलिए भगवान को बुला रहा है। और सजनों अक्रूर जी भगवान को बुलाने के लिए रथ पर बैठ करके जा रहे हैं। और चलिए पहले हम उन भामाशाहों के नाम की घोषणा श्रवण कर लेते हैं, जो हमारे उन विकलांग भाई बंधुओं के धर्म के माता पिता बन करके आगे आए हैं, जो उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपने धन को पवित्र करते हुए धन का थोड़ा अंश उन परमार्थ के लिए उन विकलांगों के लिए निकाला है, उनके नामों की घोषणा, फिर आगे की कथा। बड़े भाव से बोले जय जय श्री राधे। किसी संत ने कहा है और हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है, भगवान वेदव्यास जी ने भी कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय च पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों की रचना करने के बाद भगवान वेदव्यास जी ने भी यही सार बताया है कि किसी को सताना सबसे जघन्य और घृणित और पाप कार्य होता है, और किसी की सहायता करना, किसी के हितार्थ कुछ भी करना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। और यही संदेश बाबा तुलसी रामायण में देते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इन्हीं भावनाओं को केंद्र में रखते हुए परम पूज्य प्रातः वंदनीय पद्मश्री विभूषित साधु श्री कैलाश जी मानव ने 32 वर्ष पूर्व सर्व समाज के समक्ष हाथ फैला करके एक एक मुट्ठी आटा मांगना प्रारंभ किया, लोक मंगल की भावनाओं से यह कार्य शुरू किया। इस छोटी सी सेवा को आप सभी ने इतना बल
प्रेम विश्वास प्रदान किया। सभी खड़े होकर सम्मान करेंगे। 32 वर्षों का सफर तय करते हुए ये सेवा विराट स्वरूप ले चुकी है। नारायण सेवा संस्थान के तत्वावधान में दिव्यांगों की सेवा के उपरांत और भी अनेकों प्रकार की सेवाएं संचालित हैं। दिव्यांग जब ठीक हो जाता है तो उसके उपरांत वहां उसको कार्य प्रशिक्षण प्रदान करके आर्थिक रूप से सबल बनाने का कार्य किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो कि दिव्यांगता की हालत में वहां पर आते हैं, उनके ऑपरेशन करके उनको ठीक किया जाता है और उनकी शिक्षा दीक्षा की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। नारायण सेवा संस्थान के दिव्य प्रांगण में नारायण चिल्ड्रन एकेडमी नाम के इस स्मार्ट क्लासेस वाले स्कूल की स्थापना की गई है, जिसमें वे दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं जिनका कि वहां पर ऑपरेशन हुआ है, ठीक हो चुके हैं। और उसके अलावा और भी ऐसे बच्चे हैं जो कि शिक्षा से महरूम हैं, तो वहां पर उनको शिक्षा प्रदान करवाई जाती है। नारायण सेवा संस्थान के अंतर्गत नारायण चिल्ड्रन एकेडमी का जो स्कूल है वहां पर इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं, बड़ा सुंदर भाव है। हमारे आयोजक और यहाँ के शाखा अध्यक्ष, नारायण सेवा संस्थान के शाखा अध्यक्ष है लोसल में हमारे श्रीमान जगदीश जी प्रजापत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सम्मान आपने प्रदान किया है इसके लिए हम आपके आजीवन आभारी रहेंगे। नारायण चिल्ड्रन एकेडमी के माध्यम से जिन बच्चों को शिक्षा दीक्षा प्राप्त होती है, मुझे बड़े फख्र के साथ ये बताते हुए खुशी हो रही है कि नारायण चिल्ड्रन एकेडमी के बच्चों ने राजस्थान में टॉपर किया है। संपूर्ण राजस्थान में वे बच्चे उच्चतम श्रेणी से अंक लेकर के आए हैं। ये सब हो सका आपके प्रेम विश्वास और आशीर्वाद के बल पर। आपसे यही अनुरोध है कि नारायण सेवा संस्थान के सेवा प्रकल्पों से जुड़े। छोटे छोटे बच्चे जो नारायण सेवा संस्थान के प्रांगण में पोषित और पल्लवित हो रहे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी आपकी और हमारी ही बनती है। तो किसी भी एक बच्चे को गोद लेकर के उसके धर्म के माता पिता बनते हुए आजीवन संरक्षण प्रदान करते हुए उसके शीश पर हाथ रख के हम पुण्य के भागी बन सकते हैं। और भी सेवाएं जो कि नारायण सेवा संस्थान के द्वारा संचालित की जाती हैं, उनमें मुख्य रूप से दिव्यांग के ऑपरेशन की सेवा, उसकी चिकित्सकीय सेवा और उसके उपरांत नारायण चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा शिक्षा दीक्षा की सेवा, और इसके अलावा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में यदि नजर पसार करके देखें, हमारे हाथ की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं है, तो समाज में भी सभी व्यक्ति एक स्थिति में नहीं है। कहीं कहीं तो ऐसे व्यक्ति भी मिल जाते हैं जो कुछ करने में भी सक्षम नहीं है, बिल्कुल शारीरिक रूप से लाचार हैं और दो वक्त का भोजन उनको नसीब नहीं होता है। नारायण सेवा संस्थान ने एक पहल की और मासिक राशन वितरण योजना के जरिए ऐसे लाचार व्यक्तियों के घर में राशन पहुंचाने का काम किया। ऐसे वृद्ध और लाचार व्यक्ति जिनका कोई सहारा नहीं है और जो कमा नहीं सकते हैं, उनको नारायण सेवा संस्थान महीने भर में जितना राशन लगता है, जितनी सामग्री लगती है, उनके घर में नारायण सेवा संस्थान पहुंचाती है मासिक राशन वितरण योजना के अंतर्गत। ये संपूर्ण कार्य आदरणीय वंदना भाभी जी की देखरेख में होता है और आपके सहयोग, प्रेम और विश्वास के बल पर होता है। ये जितनी भी सेवाएं संचालित हो रही हैं, इनके बुनियाद में आपका सहयोग है, इनकी नींव में आपका सहयोग है। जो आप सहयोग प्रदान करते हैं उसके बल पर ही ये संपूर्ण सेवाएं हो पाती हैं। श्रीमान भंवरलाल जी शर्मा साहब दांता से यहाँ पधारे हैं। आप नारायण सेवा संस्थान से 2010 से जुड़े हुए हैं और आप नारायण सेवा संस्थान के परमानेंट डोनर हैं। एक वर्ष में एक ऑपरेशन आप अवश्य करवाते हैं और भी सेवाएं आप प्रदान करते रहते हैं। आज भी कथा के माध्यम से आपने दवाई सहयोग प्रदान किया है, बहुत बहुत साधुवाद, आभार आप श्री का। और जिन भक्तों ने अपनी सेवाएं प्रदान की है, मैं उनके नाम उद्घोषित करने जा रहा हूं। स्थानीय सभागार में बैठे हुए लोगों के नाम मैं पहले घोषणा करूंगा और साथ में मेरा अनुरोध है कि जिस व्यक्ति का भी मैं, जिस महानुभाव का भी मैं नाम यहां से घोषित करूं, वे कृपा करके शीघ्रता पूर्वक मंच पर पधारेंगे।
परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और नारायण सेवा संस्थान का सम्मान भी आप यहां पर ग्रहण करेंगे। सर्वप्रथम कल की कथा में कथा उपरांत कथा विश्राम के बाद जो महानुभाव आए थे और डोनेशन दिया था, मैं उनके नाम उद्घोष करने जा रहा हूं। श्रीमान त्रिलोचन माली जी, दवाई सहयोग आप प्रदान किया था कल की सभा में, यदि आज आए हैं तो कृपया मंच पर पधारें, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा जी के नाम से लोसल सीकर के ही निवासी हैं, आपने दवाई सहयोग 2100 रुपए प्रदान किया था, यदि हैं तो मंच पर पधारने की कृपा करें। और आज के दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं, श्रीमान राम निवास प्रजापत जी 2100 रुपए दवाई सहयोग, कृपया शीघ्रता से मंच पर पधारें। श्रीमान सोहन दास स्वामी जी, आपकी ओर से भी 2100 रुपए का दवाई सहयोग प्राप्त हुआ है, कृपया मंच पर पधारें। श्रीमान पन्ना लाल जी, सन ऑफ श्री लक्ष्मी राम जी प्रजापत, 1100 रुपए और 21 कंबल का अनुदान आपने दिया है, जोरदार तालियां, अभिनंदन वंदन स्वागत, कृपया शीघ्रता से मंच पर पधारें। श्रीमान परमेश्वर लाल स्वामी जी 1100 रुपए दवाई सहयोग के रूप में प्रदान कर रहे हैं। श्रीमान झब्बरमल प्रजापत जी 1100 रुपए दवाई सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण जी के नाम से एक ऑपरेशन की सेवा गुप्तदान में प्राप्त हुई है, जोरदार तालियां, अभिनंदन वंदन स्वागत, 5000 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। श्रीमान प्रहलाद कुमावत जी लोसल से 1100 रुपए और 4 कंबल आप प्रदान कर रहे हैं, जोरदार तालियां, अभिनंदन वंदन स्वागत। श्रीमान कैलाश जी, सन ऑफ श्री सांवरलाल जी मालचंदा जी, आपकी ओर से दवाई सहयोग के रूप में 2100 रुपए प्राप्त हुए हैं, कृपया शीघ्रता से मंच पर पधारें। कुमारी कोमल माल चंद्रा जी, आपकी ओर से भी दवाई सहयोग प्राप्त हुआ है, कृपया शीघ्रता से मंच पर पधारें। श्री भूरा राम जी 1100 रुपए दवाई सहयोग के रूप में प्राप्त हुए हैं। श्रीमान घासी राम जी, सन ऑफ श्री कौशल जी कौशल राम जी प्रजापत, आपकी ओर से 5 कंबल की सहयोग प्राप्त हुआ है, कृपया शीघ्रता से मंच पर पधारें। श्रीमान पूर्णमल रामदेव जी सैनी जी 1100 रुपए दवाई सहयोग के रूप में। श्रीमान दीनदयाल सोनी जी, आपने भी दवाई सहयोग प्रदान किया है। जय श्री राम कृष्ण जी के रूप में के नाम से एक कंबल की सेवा प्राप्त हुई है। श्रीमान अशोक कुमार शर्मा जी दवाई सहयोग और साथ में 4 कंबल। मास्टर योगेश धीरज धर्मेश, श्रीमान भंवरलाल शर्मा जी के ये पौत्र हैं, इनकी ओर से 2100 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। श्रीमान सुरेश कुमार जी, सन ऑफ श्री रामचंद्र जोशी जी 1100 रुपए दवाई सहयोग के रूप में प्राप्त हुए हैं। ये थे वे दानदाता जो स्थानीय सभागार में उपस्थित हैं, और सत्संग चैनल के माध्यम से जिन दानदाताओं ने सहयोग दिया है उनके नाम इस प्रकार हैं। कल कथा विश्राम के उपरांत जो घोषणा प्राप्त हुई थी उनके नाम है श्रीमान दुर्गा दत्त जी, पाराशर सीकर के निवासी हैं, आपने दवाई सहयोग प्रदान किया है, जोरदार तालियां, अभिनंदन वंदन स्वागत। और आज की कथा में श्री चंद्रकांता जी गाजियाबाद से हैं और आपने एक ऑपरेशन की सेवा राशि प्रदान की है। श्रीमती प्रमिला बेन जमुना दास शाह बड़ौदा के निवासी हैं, अपने पूर्वजों की स्मृति में एक ऑपरेशन की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। ये हैं वे दानदाता जिन्होंने कथा श्रवण करते हुए अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है। मैं परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूं कि आपके घर संसार व्यापार व्यवहार में वृद्धि समृद्धि का वातावरण बना रहे और आप इसी प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। नारायण सेवा संस्थान की सेवाओं से जुड़ने के लिए निरंतर टेलीविजन स्क्रीन पर आपके अपने संस्थान के नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर आप जानकारी प्राप्त करते हुए किसी भी एक सेवा प्रकल्प में आप अवश्य भाग लें और जो सेवा राशि आप प्रदान करते हैं उसके बदले में उचित रसीद आप अवश्य प्राप्त करें। स्थानीय सभागार में विराजित दानदाता कृपया काउंटर पर संपर्क करते हुए अपनी सेवा लिखवा सकते हैं और आपके नामों की घोषणा हम कथा मध्य में अवश्य करेंगे। आज कथा में पधारे हुए हैं नारायण स्वरूप। देखिए, नारायण सेवा संस्थान में जो भी सेवा लेने के लिए जाता है, जो भी दिव्यांग बंधु पहुंचते हैं, हम उन्हें भगवान की दृष्टि से देखते हैं कि वे हमारे ईश्वर हैं और उनमें नारायण का स्वरूप देखते हुए ही उनकी सेवा होती है। ऐसे ही
हमारे श्रीमान जगदीश प्रसाद जी जो कि यहाँ के शाखा संयोजक भी हैं, इनके पुत्र को नारायण सेवा संस्थान से पैरों का ऑपरेशन हुआ है, इनके पुत्र आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो दो बातें हम उनसे करना चाहेंगे, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेना चाहेंगे। ये जगदीश जी के सुपुत्र हैं और नारायण सेवा संस्थान में आपने सेवा प्राप्त की है। मैं जगदीश जी से प्रश्न करना चाहूंगा कि आपके इस बच्चे को कब से क्या तकलीफ थी? मेरे बच्चे को एक साल बाद में बुखार आई थी। अच्छा। और बुखार के अंदर इसको ताण आ गई थी, ताण के अंदर इसको डॉक्टर ने सुई लगा दिया, तो सुई के अंदर ये सुई से लगाने से पैर की नशे है वो तनी की तनी रह गई और पैर ऐसे मुड़ गए। तो जगदीश जी आपको नारायण सेवा संस्थान में जाने का परामर्श और सुझाव कहां से प्राप्त हुआ, किसने आपको बताया? नारायण सेवा जाने का ये हमारे पूज्य महाराज गोविंद भैया जी ने बताया था और उन्हीं के हिसाब से मैं वहां गया था और इसी हिसाब से मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ था। तो जगदीश जी वहां पर बच्चे का ऑपरेशन हुआ, बहुत खर्चा लगा होगा वहां तो? नहीं नहीं कुछ भी नहीं लगा, उन लोगों ने तो यानी समझो कि मैं तो सक्षम था, जो सक्षम नहीं है उनको तो वहाँ की संस्था ट्रेन तक का किराया टिकट बनाकर देती है, मेरे को मालूम है सब। देखिए और खाना खर्चा चाय पानी जो बीड़ी सिगरेट तो वहाँ चलता नहीं है और जो चोरी छुप के पीना पड़ता है वो तो अपने पैसे की पिता की चाय भी अपनी संस्था ही देती है उनको। देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या आपके समक्ष है और जगदीश जी का सद्भाव देखिए कि वहां पर सेवा जब इन्होंने देखी और सेवा प्राप्त की तो नारायण सेवा संस्थान से जुड़ गए। आज लोसल में आप शाखा संयोजक हैं और आपके सानिध्य में आपके सहयोग से यह कथा भी हो रही है और कितना बड़ा भाव है कि मेरा बच्चा तो ठीक हुआ, लेकिन इनका यह भाव है कि ऐसे पता नहीं कितने बच्चों के मैं इलाज करवा सकूं, ऐसी भावना इनकी है। इनकी भावनाओं को भी हमें कद्र देनी है, इतना बड़ा इन्होंने प्रयास किया है तो आपके सहयोग प्रेम और विश्वास के बिना इस सहयोग ये हो नहीं सकता है। मैं जगदीश जी से पुनः चाहूंगा यदि आप दो शब्द और क्या कुछ कहना चाहें, संदेश देना चाहें। मैं तो जब यहाँ से वहां से आया यहाँ दो चार महीने हो गए मेरे को, बराबर इसी प्रचार में लगा हुआ कि किसी का बच्चा इस पोजीशन में हो तो वो मेरे पास आए मैं उसका इलाज कराऊं, मेरा तो यही उद्देश्य है। धन्यवाद जगदीश जी। आइए पुनः चलते हैं परम पूज्य बड़ा बच्चे को चल के दिखा दे। जरूर जरूर। हाँ बेटा जरा आप चल के दिखाइए। जोरदार तालियां बजाएंगे एक बार। पहले इसकी पीछे की एडी नहीं टिकती थी और इसकी एडी बराबर टिक रही है। जैसी जानकारी है उसके हिसाब से पहले यह बच्चा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था और आज ये चल रहा है। ईश्वर से ये कामना है कि ये बच्चा जल्दी से दौड़ने लग जाएगा और नारायण सेवा संस्थान को जो आपने सहयोग दिया है वो इस बच्चे के रूप में आपके लोसल में सार्थकता से आप उसे देख सकेंगे, सजीव रूप से आप देख सकेंगे। बड़ी बड़ी शुभकामनाएं नारायण सेवा संस्थान परिवार की ओर से आपको हैं। बोलिए और मुकुटबंध शिवाले की जय हो। आइए पुनः चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में और गुरुदेव से आग्रह कथा प्रवाह जारी करने की कृपा करें, भक्तों पर कृपा बनाए रखें। मेरे साथ जय घोष लगाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भागवत भगवान की। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति। भगवान किसे कहते हैं, कहाँ रहते हैं भगवान? आपने भगवान को देखा कभी? नहीं देखा। आपने शायद सुना होगा बचपन में विवेकानंद जी जब किसी गुरु की खोज में थे तो बहुत गुरुओं के पास में गए और एक ही प्रश्न करते थे, आपने भगवान का दर्शन किया है? और हर संत एक ही उत्तर देता था, नहीं किया नहीं किया नहीं किया। प्रश्न होता था आपने दर्शन किया हो तो मुझे दर्शन कराएं, पर चूंकि स्वयं ने नहीं किया तो दर्शन कैसे कराएं?
अंततो गत्वा जब रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे और उनसे भी ये प्रश्न किया, क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने कहा हाँ देखा है। बोले कैसे? बोले जैसे तुम्हें देख रहा हूं, ऐसे प्रत्यक्ष देखा है। बोले क्या गुरुदेव मुझे भी भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा? बोले अवश्य मिलेगा। और कोढ़ियों की सेवा करते थे स्वामी जी, कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे और वहां ले गए और उन कुष्ठ रोगियों को उनके पास ले जा कहा देखो इनमें प्रत्यक्ष भगवान, ये भगवान, ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे आराध्य देव हैं, मैं इनकी सेवा करता हूं और तुमको भी सचमुच में भगवान का दर्शन करना है तो इनकी सेवा करना प्रारंभ कर दो, तुमको एक दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। और उसके बाद में विवेकानंद जी ने अपने गुरुदेव के यादगार में रामकृष्ण परमहंस संस्था का निर्माण किया। आज मैं समझता हूँ विश्व में हजारों देशों में है, भारतवर्ष में भी प्रत्येक तीर्थ में है, प्रत्येक बड़े बड़े शहरों में है। कहने का तात्पर्य भगवान सब में है। ये सारी धरती बनाने वाले का नाम भगवान है, सूर्य बनाने वाले का नाम भगवान है, चंद्रमा अग्नि जल वायु ये सारे साधन किसने दिए? हमारे मुंह में बैठ के कौन बोल रहा है? जीभ के भीतर बैठने वाले का नाम भगवान है, कान के भीतर बैठ के सुनने की शक्ति देने वाले का नाम भगवान है, हाथ के भीतर बैठ के काम करने वाले का नाम भगवान है, जीवा से जो हम रसास्वादन करते हैं ये भी भगवान की कृपा से ही संभव है, पैरों से हम दौड़ते हैं ये भी भगवान की कृपा से ही संभव है, हम जो कुछ भी करते हैं कमाते खाते हैं अथवा अपनी सेवा अथवा परिवार की सेवा अथवा समाज की सेवा करते हैं ये भगवान की ही कृपा है। हम अगर स्त्री हैं तो भगवान की कृपा से हैं, पुरुष हैं तो भगवान की कृपा से हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, कुछ भी हैं, डॉक्टर हैं अथवा रोगी हैं, कुछ भी है भगवान की कृपा से ही है। और एक बात और ध्यान से सुनिए, जब तक भगवान है हमारे भीतर तब तक हम हैं, उसके बाद में राम नाम क्या होगा? उसके बाद में राम नाम सत्य है, उसके बाद में आंख रहेगी हम देख नहीं पाएंगे, कान रहेंगे हम सुन नहीं पाएंगे, हाथ रहेंगे काम नहीं कर पाएंगे, पैर रहेंगे चल नहीं पाएंगे, ये स्थिति हमारी हो जाएगी। एक और बात ध्यान से सुनो, जब तक भगवान हमारे भीतर हैं तभी तक दुनिया वाले हमको पूछ रहे हैं क्या, जब तक वो परमात्मा भगवान रामकृष्ण हमारे भीतर है तभी तक दुनिया वाले हमें पूछ रहे हैं, तभी तक माता पिता भाई बंधु का रिश्ता बना हुआ है, पति पत्नी का रिश्ता बना हुआ है। जिस दिन भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया उस दिन सारी दुनिया वाले हमारा बोलो ना, उस दिन सारी दुनिया वाले हमारा साथ छोड़ देंगे और उठा करके शमशान में मट्टी समझ के जिला के राख करके चले आएंगे। इसलिए भगवान किसे कहते हैं इसे जानना चाहिए सज्जनों। आज बहुत बड़ी समस्या है, भगवान किसे कहते हैं हम जानते नहीं, कुछ तो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ हर शब्द की व्याख्या है भगवान किसे कहते हैं। तो पद्म पुराण इत्यादि पुराणों में संकेत किया, विष्णु पुराण में भी संकेत है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यो सेवसन्नाम भगितिरणाः उत्पत्तिम प्रलयम सेव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च स भगवान इति कथ्यते। भगवान किसे कहते हैं? आप किसी भूत प्रेत की पूजा करो आपकी मर्जी है, किसी मुर्दे की पूजा करो आपकी मर्जी है, किसी छुहारे जैसे मुंह वाले को भगवान मान के उसकी पूजा करो आपकी मर्जी है, पर सज्जनों भगवान कभी न तो जन्म लेते हैं न कभी भगवान की मृत्यु होती है। भगवान जब भी आते हैं तो प्रकट होते हैं, चतुर्भुजी रूप बन करके 16 वर्ष की आयु लेकर के प्रकट होते हैं और कहने पर माता पिता के बालक बन जाते हैं, नाटक करते हैं, लीला करते हैं। आप कहोगे ऐसा कैसे संभव, बिना माता पिता के कैसे संसार में कोई मनुष्य आ सकता है? सज्जनों जो परमात्मा अपनी शक्ति से इतना बड़ा ब्रह्मांड बना सकता है, इतनी बड़ी पृथ्वी बना सकता है, इतना बड़ा सूर्य बना सकता है, अग्नि बना सकता है, चंद्रमा बना सकता है, जल बना सकता है, वायु जिससे हम श्वास लेते हैं बिना, और ये सारे देवता फ्री में सेवा करते हैं भगवान के द्वारा। कभी कभी हम देवताओं को भगवान का बनाया हुआ मंत्रिमंडल कहते हैं, बहुत से लोग तो भगवान का आज अपमान करते हैं, कोई पैरों से दबाता है, कोई कुचलता है, कोई थूकता है, कोई कुछ करता है। सज्जनों
इन देवताओं के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सूर्य भगवान का कितना ऋण है हमारे ऊपर, अग्नि का कितना ऋण है, वायु का कितना ऋण है, एक श्वास कितना महंगा है, इसका तो आकलन तब होता है जब किसी को श्वास की तकलीफ हो जाती है और अस्पताल में उसको वेंटिलेटर पर रख करके ऊपर से कृत्रिम श्वास दिया जाता है और उसका जब बिल बन के आता है तब पता चलता है कि श्वास की कितनी कीमत है। और वो परमात्मा हमें रोज 22,000 श्वास फ्री में देता है, 22,000 श्वास फ्री में देता है, कोई कीमत हमसे लेता नहीं। सूर्य भगवान की रोशनी की कोई कीमत नहीं, जिस अग्नि से हम अपने पेट की आग बुझाते हैं उसकी कोई कीमत नहीं, जल की कोई कीमत नहीं, धरती की कोई कीमत नहीं। अब लोग बेचे तो अलग बात है। तो सज्जनों संपूर्ण ऐश्वर्य, वैसे तो सामान्य व्यक्ति के पास में भी ऐश्वर्य हो सकता है, पर थोड़ा बहुत ऐश्वर्य जिसके पास में होता है उसे भगवान नहीं कहते, समग्र ऐश्वर्य जिसके पास में होता है उसे भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य, संपूर्ण धर्म जिसके पास में हो। सामान्य मनुष्य भी धर्मात्मा होता है, आप लोग थोड़ा बहुत धर्म करने के लिए यहाँ कथा सुन रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, परंतु समग्र धर्म जिन भगवान के अंदर निहित है उसे भगवान कहते हैं। यशस श्रेय, संपूर्ण यश और संपूर्ण लक्ष्मी जिसके पास रहती है। थोड़ी बहुत लक्ष्मी तो संसार में बड़े बड़े धर्मानों के पास में रहती है, बिरला टाटा के पास में रहती है, पर थोड़ी थोड़ी रहती है नाम मात्र, परंतु संपूर्ण आदिशक्ति भगवती पराम्बा भगवान नारायण के चरणों को छोड़ एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जाती, वहीं विराजमान रहती है। जाशु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोए, राम पदार विंद रति करति स्वभाव खोय। लक्ष्मी का स्वभाव बहुत चंचल है, नाम भी चंचला है, पर भगवान नारायण के चरणों को छोड़ के एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जाती। बड़े बड़े देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सिद्ध चारण दानव मानव ऋषि महर्षि अमला बिमलात्मा हंस और परमहंस कोटि के महापुरुष जिस लक्ष्मी का एक कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए जन जन्मांतरों से युग युगांतरों से कल्प कल्पांतरों से तप करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, पर लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी उनकी ओर देखती तक नहीं है और भगवान के नारायण के चरणों को छोड़ के कहीं जाती नहीं है। और भगवान नारायण का स्वभाव कैसा है, निरपेक्ष, बस योग निद्रा में शयन करते रहते हैं, आत्मा में रमण करते रहते हैं, लक्ष्मी की तरफ आंख उठा के कभी देखते ही नहीं। इतने निरपेक्ष भाव से होने के बाद में भी अपने स्वामी के चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाती, तो संपूर्ण समग्र लक्ष्मी जिनके चरणों की सेवा करती है उन्हें भगवान कहते हैं। और भगवान के मुंह पर कभी ये छुहारे जैसे चिन्ह नहीं पड़ते, दांत कभी गायब नहीं होते, आंते कभी गायब नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता, भगवान के बनाए हुए देवताओं को कभी बुढ़ापा नहीं आता, उनके कभी मूछ नहीं आती। इसलिए ये कहना कि भगवान राम हुए और चले गए, कृष्ण हुए और चले गए, इसलिए वो भगवान नहीं है, सज्जनों भगवान न तो कहीं आते न कहीं जाते, भगवान तो अणु अणु में परमाणु परमाणु में है। और इसलिए प्रत्येक जीव की सेवा करके आप भगवान की सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की, एक बार जोर से ताली बजा के गुरु जी का स्वागत करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बहुत सुंदर भगवान की दिव्य दिव्य पावन ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण। अक्रूर जी महाराज को कंस मथुरा से वृंदावन भेजते हैं भगवान को लेने लाने के लिए। अक्रूर जी महाराज जब वृंदावन पहुंचे और कन्हैया के पास में जाकर के अक्रूर जी ने सारी बात बताई, कंस कैसे आपको मारने के लिए बुलाना चाहता है। कन्हैया ने काका जी के मुंह पे हाथ रख दिया, काका जी ये बात आपने मेरे को तो कही है, मेरी माँ यशोदा को मत बोल देना। काका जी कौन मरेगा कौन जिएगा ये तो बाद की बात है, क्योंकि कोई किसी को मारता नहीं है, कोई किसी को जीवन दान देता नहीं है। राम किसी को ना मारे ना हत्यारा, राम अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटा का। काका जी मैं क्या कंस को मारूंगा, कंस क्या मुझे मारेगा, कंस के कर्म ही कंस को मार देंगे, पर मेरी मैया को भूल करके ये बात मत बोल देना, नहीं तो काका जी मेरी मैया मुझे कभी नहीं भेजेगी। और सजनों जब गोपियों को पता चला कि अक्रूर
भगवान को लेने के लिए आए हैं और कृष्ण जाने के लिए तैयार हैं, तो गोपियां रोने लगी जैसे मानो आज उनके प्राणों को कोई लेकर के जा रहा हो। रोने लगी गोपियां और रोती हुई विधाता को दोष देती हैं और विधाता को दोष देती भी कहती है, अरे विधाता तेरे मन में दया नहीं है। अहो विधाता तव न क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणय दया। विधाता तेरे मन में थोड़ी भी दया नहीं है, संयोज्य मैत्र्या प्रणय। अरे पहले हमें कृष्ण और बलराम जैसी दो आंखें प्रदान की, हमें कृष्ण और बलराम से मिलाया और जब हमारा प्रेम प्रागाढ़ हुआ तो आज अलग करने के लिए अक्रूर को भेज दिया। विधाता तुम तो उन बालकों की तरह हो जैसे बालक बरसात के दिनों में माटी के घर बनाते हैं और जब मन भर जाता है तो वही बालक अपने हाथों से घर को तोड़ देते हैं। हमने बनाया हमने तोड़ा। विधाता तेरे मन में दया नहीं है। एक गोपी बोली, बहन विधाता को दोष क्यों दे रही हो? अरे विधाता ने तो राम और कृष्ण जैसी हमें आंखें दी है, दोस्त तो इस अक्रूर का है। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि इसका नाम अक्रूर रखा किसने, क्यों? अरे इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। सुंदर मुख और सौम्य मुख पर स्वभाव से पंडित कैसे मूर्ख थे जो नाम रखो। अरे किसने इसका नाम अक्रूर रख दिया? इनका नाम तो क्रूर होना चाहिए जो हमारी कृष्ण और बलराम जैसी आंखों को निकालने के लिए आया है। एक गोपी बोली, बहन आज की रात जब ढल जाएगी और प्रातः काल का सूर्योदय होगा तो प्रातः काल का सूर्योदय मथुरा की गोपियों के लिए खुशियां लेकर के आएगा और अपने सब के लिए मृत्यु का संदेशा लेकर के आएगा। एक बोली, बहन चल जिस रथ में बैठ करके श्याम जा रहे हैं उस रथ के आगे लेट जाएंगी, जब तक श्याम हमारे प्राणों को लेकर के नहीं जाएंगे तब तक श्याम को हम वृंदावन छोड़ने नहीं देंगे। एक गोपी बोली, बहन तू पागल है गई? अरे वहां पर बड़े बड़े लोग खड़े होंगे, उन बुजुर्गों के सामने हम ऐसी हिम्मत कैसे कर पाएंगी, शर्म नहीं आएगी? एक गोपी बोली, जब हमारे प्राण ही चले जाएंगे तो शर्म को लेकर के करेंगी क्या? जब शरीर में प्राण ही नहीं होंगे तो कैसी शर्म? और सारी की सारी गोपियां जिस रास्ते से कृष्ण का रथ जाना था, जहां कृष्ण का रथ खड़ा हुआ है, उस रथ के आगे आकर के लेट गईं। जब प्रातः काल होने लगा भगवान रथ की ओर चले, माँ यशोदा व्याकुल हो रही हैं, लाला को बार बार रोक रही हैं, लाला मत जा मत जा, लेकिन कन्हैया आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैया से कह रहे हैं, मैया जाने दे मां मोहे मथुरा जानो, जाने दे मां मोहे मथुरा जानो, जाने दे मां मोहे मथुरा जानो, लौट के परसों वापस आनो, मथुरा जानो।
कन्हैया रोवे तेरी मैया लाला मत जा कन्हैया रोवे तेरी मैया लाला मत जा कन्हैया 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 बुढ़ापे को सहारा है तू मेरो प्राण है तेरे बिना जिंदगी जैसे प्राणों के बिना शरीर माँ यशोदा तो बेहोश होकर के गिर पड़ी माँ यशोदा बेहोश होकर के गिर जाती है और सजनों कन्हैया एक बार माँ की ओर पीछे मुड़ करके देखते हैं आंखों से टप टप आंसू टपकते हैं और अपने को संभालते हुए आगे बढ़ जाते हैं जैसे रथ के ऊपर जाकर के बैठे सामने रथ के आगे गोपियां लेटी हुई हैं भगवान ने मन सोचा मैया को तो मैं छोड़ के आ गयो लेकिन अब इनको कैसे दूर करूं इनको कैसे समझाऊं भगवान गोपियों के पास में गए गोपियों हट जाओ छोड़ दो रास्ता जाने दो मुझे गोपियां कहती है नहीं श्याम नहीं जब तुम्हें जाना था तो क्यों लिया आने का नाम जान दे देनी जो तुमने अब लिया जाने का नाम जान दे देनी जो तुमने अब लिया जाने हे कृष्ण जब तुम्हें जाना था तो फिर आए क्यों पर अब आए हो तो जाओ मत क्योंकि अगर जाओगे हम जान दे देंगे अगर जाने का आपने नाम दिया कन्हैया कहने लगे गोपियों प्रेमी उसे नहीं कहते जो प्रेम करने वाले से कुछ चाहे प्रेमी उसे कहते हैं जो सिर्फ प्रेम करने वाले की खुशी चाहे देखो गोपियों आज अक्रूर जैसा दान लेने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है मुझ जैसी दान की वस्तु और तुम जैसी दान देने वाली इस धरती माँ के कल्याण के लिए मुझे दान कर दो जाने दो गोपिका ही कहती है ठीक है प्रभु अगर आप जाना चाहते हो तो एक एहसान कर दो एक कृपा कर दो क्या बस एक हमारी आपसे प्रार्थना है भले ही जाओ पर हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो क्या जा रहे हो तो जाओ कन्हैया लेकिन इतना रहम करते जाओ जा रहे हो तो जाओ कन्हैया बस जा रहे हो तो जाओ कन्हैया लेकिन इतना रहम करते जाओ जा रहे हो तो जाओ कन्हैया लेकिन इतना रहम करते जाओ दिन तो पहले ही तुम ले चुके हो दिन तो पहले ही तुम ले चुके
हमको यूं ना तो तड़पा के जाओ, कैसे दीदार कर पाएंगे हमको यूं ना तो तड़पा के जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। श्याम, हम तुम्हें जाने से नहीं रोकती हैं, हमारा मन तो तुमने पहले ही चुरा लिया, ये दिल तो तुम्हारे पास पहले जा चुका है, बस हमारे प्राणों को और लेकर के चले जाओ। भगवान कहते हैं गोपियों, भूल जाओ हमें और रास्ता छोड़ दो, क्योंकि धरती माँ के कल्याण के लिए जाना मेरा बहुत जरूरी है। गोपियां कहती हैं, श्याम कैसे भूलें, तेरी तस्वीर दिल में बसी है, दुनिया करती हमारी हंसी, तेरी तस्वीर दिल में बसी है, दुनिया करती हमारी हंसी है, दुनिया कुछ भी कहे सबकी सहनी पड़े हे मुरारी, अब तो मानो ना बात अब तो मानो ना बात हमारी। और सजनो गोपियां कहने लगी, श्याम अरे हमारी ना सही, कम से कम इन गायों की ओर तो देखो। आज सजनो जब भगवान के वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाने का समय आया, तो आज कोई भी पशु कोई भी पक्षी, अरे मनुष्य की बात छोड़ो, पशु पक्षी भी आज घास चरने के लिए चुगा चरने के लिए नहीं गया। आज सारे पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया, आज गायों ने रंभाना बंद कर दिया। अगर चारों तरफ कुछ है तो सिर्फ आंसुओं की धार और कुछ नहीं, चारों ओर बस आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं है। भगवान गौ माताओं के पास में जाकर के प्रणाम करते हैं, हे गौ माताओं मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सका, क्षमा करना गौ माताओं, क्योंकि धरती माँ के कल्याण के लिए मुझे जाना पड़ेगा। सजनों जब धरती माँ के कल्याण का प्रश्न आता है, जब मातृभूमि का प्रश्न आता है, तो भगवान को भी अपनी माँ का त्याग करना पड़ता है। जैसे आज हमारे देश के वीर नौजवान इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी माँ को भी भूल जाते हैं, बहन को भी भूल जाते हैं, भूल जाते हैं घर में मेरी बूढ़ी माँ है, भूल जाते हैं घर में मेरी जवान बहन है, भूल जाते हैं अभी हमारा नया नया विवाह हुआ है, घर में पत्नी है छोटे बच्चे हैं, सब भूल करके हमारे नौजवानों का एक ही ध्येय होता है अपनी मातृभूमि की रक्षा। और उन्हीं की बदौलत आज हम सुरक्षित बैठ करके कथा सुन रहे हैं। धन्य है वो वीर नौजवान, धन्य है उनकी माँ, धन्य है वो कुक जिसमें ऐसे वीर नौजवान रहे और उन्होंने उस कुक से जन्म लिया। जब हम देश में दिवाली मनाते हैं, वहां सीमा पर हमारे नौजवान खून की होली खेलते हैं। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, हम सब बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, हम सब बैठे थे घरों में
गोली लगी, पीछे नहीं हटता वीर का देश वो नौजवान, आगे बढ़ता चला जाता है, सीने पर गोलियां लगती जा रही है। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के एक एक ने दस को मारा, फिर गिर गया होश जवान। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। मेरे प्रभु आज अपनी माँ यशोदा का भी त्याग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सजनों आज मातृभूमि का प्रश्न आया, और मातृभूमि की रक्षा का जब प्रश्न आता है तो जन्म देने वाली मां का भी त्याग करना पड़ता है। बहन भाई बंधु कुटुंब कबीले का भी त्याग करना पड़ता है। गोपियां हट जाती हैं, भगवान गौ माता को प्रणाम करते हैं, गौ माता अपनी गर्दन कन्हैया के ऊपर रख करके आशीर्वाद देती है और कन्हैया गौ माता का आशीर्वाद लेकर के और सजनों अब रथ के ऊपर बैठते हैं और रथ के ऊपर बैठ करके चलने लगे। गोपियां रोती हुई कहती हैं, छोड़े विंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। आए मोहन बिना चैन कैसे पड़े, आए मोहन बिना चैन कैसे पड़े, कौन दर्शन दिए। जब भगवान मथुरा घूमने के लिए गए तो वहां पर धनुष को तोड़ते हैं, उस दर्जी के द्वारा कपड़े ठीक करके पहनते हैं, धोबी का वध करते हैं, कोलिया पीर के हाथी को मारते हुए और मलशाला में पहुंच करके मुष्टिक
चानूर सल तोसल और कंस का वध करते हुए और अंत में अपने माता पिता को छुड़वाते हैं, और माता पिता को छुड़वाते हुए जब अपने दांतों से हथकड़ियां बेड़ियां तोड़ी तो भगवान ने बहुत सुंदर बात अपने मुख से कही। दसवां स्कंद के 45वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक ये उन संतान को जरूर सुनना चाहिए जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। भगवान कहते हैं, यस्योरात्म जय कल्प आत्मना चरणेन च वृद्धिम दद्या तम प्रेरित स्वयमा संखादयन्ति। जो पुत्र सक्षम होते हुए अपने माता पिता का तन मन और धन से सेवा नहीं करता, अपने बच्चे के लिए 10,000 का खिलौना ले आएगा लेकिन माँ के लिए 10 रुपए की दवाई भी नहीं लाएगा, धिक्कार है ऐसे संतान को। मरने के बाद यम के दूत वहां ले जाने के बाद उसके मांस को काट काट करके उसको खिलाते हैं जब भूख लगती है, तब स्वयं आसन खुद के मांस को ही खाना पड़ता है। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीम सुतम शिशुम, जो अपने धन से बहन बेटी माता पिता वृद्ध भाई बंधु आदि का यथोचित जो अधिकार है वो प्रदान नहीं करता वो व्यक्ति तो जीते जी मुर्दे के समान है। ये बात भगवान ने स्वयं अपने मुख से कही है दसवें स्कंद के 45वें अध्याय के 6वें और 7वें श्लोक में। इसके बाद भगवान महाराज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं, गुरु दक्षिणा में मरा हुआ गुरुपुत्र ला करके देते हैं और एक दिन की बात है, हे परीक्षित जब भगवान लौट करके आए भगवान का मन नहीं लगता, वृंदावन की याद भगवान भूल नहीं पा रहे हैं। जमुना के किनारे जाकर के बैठ गए, जमुना वृंदावन से बहती बहती मथुरा की ओर आती है, कमल का फूल बहता हुआ जमुना से आया। सजनों हमारा जिससे प्रेम हो और उसका कोई भी उसका साथी कोई उसकी निशानी जब सामने आती है तो बहुत प्यारी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। उस फूल को उठाकर के कन्हैया ने हृदय से लगाया और मन में सोचा जरूर मेरी राधे ने ही भेजा होगा, हृदय से लगा करके उस फूल को रोने लगे। उद्धव ने देखा ये परमात्मा है, त्रिलोकी के नाथ हैं, भगवान हैं, ये किसके लिए रो रहे हैं, ये तो परमात्मा है भगवान है, ये किसके लिए रो रहे हैं। भगवान के पास जाकर के उद्धव कहने लगे, प्रभु आप रो रहे हो किसके लिए। भगवान ने कहा, उद्धव क्या बताऊं, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मैं अपने ब्रज को बुला नहीं पा रहा, मैं अपनी माँ यशोदा को भुला नहीं पा रहा हूँ, उद्धव मैं उन गोपियों के प्रेम को भुला नहीं पा रहा हूँ। अरे प्रभु आप तो परमात्मा है, निर्गुण है, निराकार है, लेकिन उद्धव मेरा नियम है जो मुझे जैसे बजता है मैं उसका वैसे स्मरण करता हूँ। उद्धव एक काम करो, तुम जाकर के मेरे ब्रजवासी गोपी ग्वाल माँ यशोदा नंद बाबा को समझाओ, वो मेरे विरह में रोना बंद कर दे, मैं उनके विरह में रोना बंद कर दूंगा। जाओ उद्धव जाओ। गच्छो धवम ब्रजम सौम्या प्रीतोर्णो प्रीतिमाव गोपीना मद योगाधि मत संदेशे विमोचय। जाओ जाओ और जाकर मेरी मैया को समझाना, मेरे बाबा को समझाना, उद्धव भैया मेरी गोपियों को समझाना, वो मुझे भूल जाएं, मैं उनको भूल जाऊंगा।
लेकिन उद्धव भैया एक बात ध्यान रखना, भूल करके ये मत कह देना कि मैं आऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि गोपियां एक ही आस के सहारे जीवित हैं, एक दिन हमारो श्याम जरूर आवेगो। हम ते परसों को वादो करके गयो है, न जाने वो परसों कब आवेगी। हे परमात्मा, जे परसों आएगी या हमारे प्राण पहले जाएंगे, हम तो ये भी नहीं जानती। अरे हमारे प्राण उन परसों का तो इंतजार करना, जिस परसों की बात वो श्याम कहकर के गए हैं, वो गोपियां जिस परसों की इंतजार में बैठी हैं उद्धव, उस परसों का इंतजार उनका समाप्त मत कर देना। उद्धव जी महाराज कहने लगे, चिंता मत करो, मैं ऐसा निर्गुण का पाठ पढ़ाऊंगा कि गोपियां सब कुछ भूल करके उस निर्गुण निराकार में लग जाएंगी। उद्धव जी जब रथ में बैठ के जाने लगे तो भगवान ने कहा, रुको उद्धव भैया, रुको रुको। उद्धव भैया, मेरी मैया को बोलना। उधो मैया को सुनियो तेरो लाला दुख आवे, मैया को सुनियो, उधो मैया को सुनियो, मैया को सुनियो, उधो मैया को सुनियो, मैया कभी अगर मक्खन थाली में डाल दे तो कन्हैया उस मक्खन को देख करके टप 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 आंसू बहाते हैं, लेकिन उसको खाते नहीं है, बस उस मक्खन को देख रहे हैं, रो रहे हैं। मां देवकी कह रही है, लाला मोते कछु गलती है नहीं का, बेटा कहा बात है, काई को रो रोए। कन्हैया कह, मैया तोते कितनी बार कही है, मेरी थाली में मक्खन मत दिया कर। क्यों? मैं जब मक्खन को देखता हूं मेरी माँ यशोदा की याद आ जाती है। मैया मक्खन खाऊंगो तो यशोदा मैया के हाथ को खाऊंगो, नहीं तो नहीं खाऊंगो। उद्धव जाकर के मैया को बोलना, मैया मेरे ताई मक्खन तैयार रखियो, मैं एक दिन जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। और उद्धव जी महाराज जब वृंदावन में पहुंचे तो क्या देखते हैं, मैया चुपचाप आंसू बहा रही है, बैठी है। बाबा मैया को समझा रहे हैं, यशोदा अब तो कुछ बोल, यशोदा जब से कन्हैया गयो है तू कछु ना बोल रही, तेने मुंह ना खोलो, कहा बात है गई, यशोदा एक बार तो बोल। और यशोदा रोती रोती बाबा की तरफ देख के कहती है, जाओ। मानो यशोदा कह रही है, मोह को अकेलो छोड़ दो, जब मेरे प्राण पुत्र माँ के प्राण होते हैं और जब मेरे प्राण ही चले गए तो अब शरीर में रह क्या गया है, छोड़ दो मुझे अकेला। जाकर के बाबा और मैया को उद्धव समझाते हैं, लेकिन सजनों माँ बाप को समझाना आसान नहीं होता। गोपियों को समझाते हैं, गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम कहते हो निर्गुण की उपासना करें, लेकिन हमको ये बताओ निर्गुण कौन है, देश को वासी, ये निर्गुण किस देश में रहता है। उद्धव ने कहा, गोपियों ये मैं बताऊंगा किस देश में रहता है। ठीक है उद्धव,
माधव हम भी सोच रही हैं कि उस निर्गुण में अपना ध्यान लगा दें, लेकिन उद्धव एक बात बताओ, मन कितने होते हैं? उद्धव ने कहा मन तो एक होता है। तो उद्धव भैया एक काम करो, हमारा मन हमारे श्याम से हमें ला करके दे दो, हम वो मन तुम्हारे निर्गुण में लगा देंगे। और उद्धव जब तक मन श्याम से हमारा लौट के नहीं आता तो निर्गुण में दूसरा मन लाए कहां से? उधो मन ना भये दस बीस एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवरा देस। उधो मन ना भये दस बीस। उद्धव एक मन था वो श्याम के साथ में चला गया, अब बताओ दूसरा मन कहां से लाए? उद्धव के समझ में नहीं आ रहा है करें क्या। गोपियां कहती हैं उद्धव एक काम करो, हमारी आराध्य राधा रानी को समझा दो, अगर वो समझ गईं तो हम भी समझ गईं। और उद्धव जब राधे के पास में पहुंचे तो क्या देखते हैं, राधे श्याम के विरह में व्याकुल होकर के और श्याम को पत्र लिखती लिखती अपने आप को लिखने लग गई। और जब अपने आप को पत्र लिखा, होश आया, सामने पत्र देखा, गोपियों से पूछने लगी, अरे गोपी अरे सखी जिस श्याम को संदेशों कौन लायो? गोपियां रोती हुई कहती हैं, अरे प्रिया जी प्रियाजू ऐसी बावरी बातन ने क्यों करो, तुमने ही तो जे संदेशों लिखो है। राधे कहवे लगी मैं कोई पागल थोड़ी है गई, बावरी थोड़ी है गई, जो अपने अपने हाथन से संदेशों लिखूंगी और अपने हाथन से संदेशों लिख करके और अपने आप को लिखूंगी। राधे विरह में रोती हुई कहती है, हे कृष्ण, एक काला कौवा मथुरा की ओर उड़ता हुआ जा रहा था, उससे कह रहे हो कपटी के मित्र मुझे ऐसो लगे तू मथुरा जा रो है, वह काले कृष्ण से कह दीजो जब कोई के घर में आग लगे तो सबसे पहले घर का मालिक बंधे हुए पशुओं को खोलता है, तेरे ब्रज में भी तेरे विरह की अग्नि लग रही है और गले में जो फांस डाल करके आया है कि मैं आऊंगा, बस हम नहीं कहती कि आओ, एक बार कोई संदेशा भिजवा करके उस फांस को निकाल दो कि मैं नहीं आऊंगा ताकि कम से कम मर तो जाए। अरे कोई लकड़ी को अगर जलाए तो वो कोयला बनती है, कोयले को जलाए तो राख बनती है, लेकिन हम तो ऐसे विरह में जल रही हैं, मैं तो कोयला बन पाई है राख बन पाई। लकड़ी जल कोयला हुई, कोयला जल कर राख, हम विरह में ऐसी जले कोयला हुई। काले कृष्ण से कहियो हमें कालन ते घनी नफरत है गई, कह दीजो मता पर बस एक संदेशा पहुंचा दे मैं नहीं। बस उद्धव मन में विचार करते हैं मैं ऐसे प्रेमियों को कैसे समझाऊं। राधे कहती हैं, हे कृष्ण हमारी विरह की वेदना तो तब समझ पाओगे जब राधे बनोगे, ऐसे विरह वेदना समझ में आ नहीं आएगी। प्रीत कोई करियो ना है खांड की हर, प्रीत कोई करियो ना है खांड की हर, प्रीत कोई करियो ना करियो ना, इसमें दुखड़े हजार, प्रीत कोई करियो ना जन्म की एक तमन्ना उनको बता देना, अगले जन्म की एक तमन्ना उनको बता देना, उन्हें राधा बना देना, श्याम बना देना, उन्हें राधा बना देना,
ताकि राधा की विरह वेदना उन श्याम को पता चले। जो मैं ऐसो जानती के प्रेम करे दुख हो नगर ढिंढोरो जो ज्ञान का पोथा लेकर के गए थे वो ज्ञान का पोथा प्रेम के प्रवाह में बह गया। गोपियों के प्रेम के प्रवाह में वो ज्ञान का पोथा बह गया और उधो सुधो है गयो सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई धुंद भी प्रेम बजायो ढोल। और उद्धव जी जब ब्रज से वापस लौटने लगे वृंदावन से वापस लौटने लगे तो गोपियां भी अपनी ओर से संदेशा लिखवाती हैं, उद्धव हमारी भी चिट्ठी लेकर के जाओ। और गोपियां कहती हैं, ओ चिट्ठियां ले जा रे उधो जाके कहियो कन्हैया से फिर ऐसा ज्ञान को प्रेम से सराबोर करने के लिए मैंने तुम्हें ब्रज की नगरी वृंदावन में भेजा। बाकी मैं अपने प्रेमियों से एक पल भी अलग नहीं रहता उद्धव, एक पल भी अलग नहीं रहता उद्धव, ब्रजवासी मेरे प्राण। बहुत सुंदर। इसके बाद में भगवान अक्रूर जी के घर जाते हैं, अक्रूर जी हस्तिनापुर जाते हैं और दसम स्कंद के पूर्वार्ध को विश्राम करते हुए उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। आइए पहले भामाशाहों के नाम की घोषणा श्रवण कर लेते हैं क्योंकि आज विवाह का प्रसंग है, फिर सीधे हम विवाह के महोत्सव में प्रवेश करेंगे बड़े प्रेम और भाव से आनंद के साथ। क्योंकि सज्जनों कथा का उद्देश्य है विकलांग भाई बंधुओं की सेवा, तो बीच में थोड़ा ये भी जरूरी है। मैं जानता हूं कि आप लोगों के इस प्रेम के प्रवाह में आप सोचते होंगे बीच में जब घोषणा आती है तो कथा का क्रम टूटता है, लेकिन सजनों भले क्रम टूटता हो लेकिन इसका जो उद्देश्य है जो सोच है बहुत बड़ी है और वो है किसी विकलांग को उसके पैरों पर खड़ा करना। जैसे आपने देखा हमारे जगदीश जी के पुत्र जब अपने पैरों पर खड़े होकर के चले तो सबको कितनी खुशियां हुई, तो ऐसे न जाने कितने जगदीश और कितने उनके पुत्र हैं जो आज भी इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा में हैं और उन्हीं पुत्रों के धर्म माता पिता बनकर के जो आगे आए हैं। आइए उनके नाम की घोषणा शीघ्र श्रवण करते हैं। बड़े भाव से बोले जय जय श्री राधे। जिन दानदाताओं ने दान और सहयोग प्रदान किया है मैं उनके नामों की घोषणा करने जा रहा हूं। साथ में आग्रह है कृपया अपना नाम सुनकर के शीघ्रता पूर्वक मंच पर पधारने की कृपा करेंगे। सर्वप्रथम श्रीमान सुरेश कुमार जी, सनोप श्री रामचंद्र जोशी जी 1100 रुपए दवाई सहयोग के रूप में प्रदान कर रहे हैं, कृपया मंच पर पधारें। श्रीमान पूर्णमल जी, श्री गोपाल जी, सनोफ डूंगा राम जी आपकी ओर से भी दवाई सहयोग प्राप्त हुआ है, कृपया मंच पर पधारें। शर्मा मेडिकल स्टोर लोसल की ओर से 2100 रुपए दवाई सहयोग के रूप में प्राप्त हुए हैं,
कृपया मंच पर पधारने की कृपा करें। श्रीमान लाल सिंह शेखावत जी, आपकी ओर से भी 2100 रुपए दवाई सहयोग के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिनके नाम ले रहे हैं, फटाफट ऊपर आ जाओ। श्रीमती मनफुली देवी जी, वाइफ ऑफ श्रीमान रामू राम सैनी जी, आपकी ओर से 1100 रुपए का दवाई सहयोग प्राप्त हुआ है। और आज की कथा में भगवान के विवाह में आप सबका मुंह भी यही मीठा करवा रहे हैं, लड्डुओं का भोग भी आपने लगाया है, जोरदार तालियां आपके लिए। हमारे शाखा संयोजक श्रीमान जगदीश प्रजापत जी भी पीछे नहीं है और अपने संपर्कों के आधार पर वो सेवाएं ला रहे हैं। जो सेवाएं जगदीश जी के माध्यम से प्राप्त हुई है नारायण सेवा संस्थान को, मैं उनके नाम उद्घोष करने जा रहा हूँ। मोहनलाल सन ऑफ मालसन सैनी, 5000 रुपए एक ऑपरेशन। श्रीमान रजाक मोहम्मद गोलडूंगा से 5000 रुपए आपने प्रदान किए, तालियों का सहयोग कृपया बना रहे। श्रीमान हाजी सुलेमान जमालुद्दीन जी सीकर मंडी से हैं, 5000 रुपए का सहयोग आपने प्रदान किया है। श्रीमान राजकुमार शर्मा सनो बंसीलाल जी शर्मा प्रेमपुरा लोसल से 5000 रुपए का सहयोग आपकी ओर से प्राप्त हुआ है। हाजी मोहम्मद अमीन जी सीकर मंडी से आपकी ओर से 15000 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसमें 3 ऑपरेशन और साथ में दवाई सहयोग भी हो सकता है। श्रीमान मोहम्मद सलीम अलाबख्श जी मणियार लोसल से 5000 रुपए का अनुदान दे रहे हैं। गीता देवी वाइफ ऑफ श्रीमान नारायण जी सैनी लोसल से 11000 रुपए का सहयोग, जिसे 2 ऑपरेशन और दवाई सहयोग होगा। कोलकरिया सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स वालों की ओर से 1 ऑपरेशन के रूप में 5000 रुपए प्रदान किए गए हैं। श्रीमान कुंदन मल जी सैनी सैनी निष्ठान भंडार वाले 5000 रुपए का अनुदान 1 ऑपरेशन के हितार्थ दे रहे हैं। श्रीमान गिरधारी लाल चंद्र प्रकाश सैनी सीकर मंडी 11000 रुपए का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। श्रीमान नोरंग लाल जी मारोठिया लोसल वाले 11000 रुपए का सहयोग आपकी ओर से भी प्राप्त हुआ है। श्रीमान मजीद खान सन ऑफ हासम खान जी सीवी रमन स्कूल वाले आपकी ओर से 5000 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। और श्रीमान श्याम सुंदर जी सन ऑफ लादू राम जी प्रजापत, आज की कथा में आप यजमान भी हैं और आपकी ओर से 11000 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, 2 ऑपरेशन और दवाई सहयोग इससे हो पाएगा। ये हैं वे दानदाता जिन्होंने कथा श्रवण करते हुए अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है। परमपिता परमेश्वर से ये कामना है कि आपके घर संसार व्यापार व्यवहार में वृद्धि समृद्धि का वातावरण बना रहे और आप इसी प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। आइए पुनः कथा की ओर चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में। गुरुदेव से आग्रह कथा प्रवाह जारी करने की कृपा करेंगे। मेरे साथ जयघोष लगाएं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की। एक बार सभी भामाशाहों के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए समय न गवाते हुए पुनः ज्ञान गंगा की ओर चलते हैं, उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर सब मृते भरतरि दुःखार्ते यतु स्म पितुर्गृहान्। कंस की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति, एक का नाम था प्राप्ति। कंस के मर जाने के बाद दोनों अपने पिता जरासंध के पास में गई। सजनों कंस क्या है? एक वृत्ति नाम है। जिसकी जिसकी 2 पत्नियां हो वो है कंस, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने इतना तो है, प्राप्ति माने इतना और प्राप्त करना है। समझे नहीं? मतलब हमारे पास एक दुकान थी, मन में थी एक और मिल जाए, एक और मिल गई। फिर तमन्ना क्या हुई? 2 तो है, एक और मिल जाए। अस्ति माने इतनी तो है, इतनी और मिल जाए। तीसरी मिल गई, अस्ति इतनी तो है, चौथी और मिल जाए, प्राप्ति हो जाए। 4 मिल गई, अस्ति 4 तो है, प्राप्ति 5वीं और मिल जाए, उसी का नाम है कंस। जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। और ध्यान रखना मेरे भाई, दौलत है ना, कितनी भी कमा लो, इसका नाम क्या है? कमाई। क्या नाम है लोगों? नाम देखो क्या रखा है, कमाई। कितनी भी आए फिर भी क्या बोलते हैं? कमाई। कम कभी बोलते ही नहीं, ज्यादा आई। क्या करते हो? कमाई करते हैं, कमाई। हाँ, दौलत जब भी आती है 2 लात मारती है। 2 लत, लत मतलब लात, जिसके पास आएगी 2 लात मारेगी। एक आती है तब मारती है, एक जाती है तब मारती है।
एक पेट में मारती है, एक पीठ में मारती है। आती है तब पीठ में मारती है, आदमी अकड़ने लग जाता है। जाती है तब पेट में मारती है, आदमी झुक जाता है। इसलिए कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा। ये तो पहले बोलते थे, आजकल नहीं। आजकल बोलते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, और मैं भी भूखा ना रहूं, मोदी जी भी ना ले जाए। पहले की सरकार से लोग कहते थे, ये दो वो दो, मोदी जी से कहते हैं, जो है वही रहने दो, कुछ मत दो, हमारे पास है वही रहने दो। और नोटबंदी के बाद में भैया औरों का कालाधन निकला, लेकिन माताओं का तो, माताएं बिचारी सोच रही होंगी कि हम तो एक नहीं दो बच्चों का ऑपरेशन करवा देते अगर 2 साल पहले नोटबंदी ना हुई होती तो। नोटबंदी से पहले माताओं को बोलते थे कि जरा 1000 रुपए देना, और नोटबंदी के बाद में कहा जरा 400 देना, नहीं नहीं आप तो 1000 का लेके जाओ, 600 मुझे वापस देना। एक इसलिए माता जी बोल रही थी, अरे मोदी इस जन्म में भी बिना पत्नी के फिरे, अगले जन्म में भी कुंवारो ही फिरे, वो बिना ब्याह कही जा, हमारा कालाधन निकाला है। बिचारी 500 रुपया के लिए 50 बार पति को चक्कर घुमाया होगा, कौन है लग गए, खर्च हो गए, तब इकट्ठे हुए थे। 2 लत साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं और मोदी जी भी ना ले जाए। कंस की पत्नियां कंस के पास में गई, जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, हार गया 18वीं बार, भगवान रणछोड़ बन गए, कालीवन का भगवान ने उद्धार किया, द्वारिका में मथुरा वासियों को बसा दिया। और सीधे सजनों प्रवचन पत्र पर्वत पर भगवान चढ़े, जरासंध ने घेर लिया, भगवान ने वहां से छलांग लगाई, जरासंध ने वहां आग लगा दी। बोलो द्वारिकाधीश भगवान, भगवान द्वारिकाधीश बने। और द्वारिकाधीश बनने के बाद में दाऊ दादा का विवाह है, रेवंत जी की कन्या रेवती के साथ में हुआ। और भगवान के विवाह के लिए सजनों भीष्मक जी की कन्या रुक्मणी का पत्र आया। राजा सीध भीष्म को नाम है विदर्भाधिर पतिर्मा, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या च वरानना। राजा भीष्मक के महाराज 5 पुत्र, 1 पुत्री, पुत्र का नाम था, सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, पुत्री का नाम था रुक्मणी। रुक्मी चाहता था मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो, और भीष्मक जी चाहते थे मेरी बेटी का विवाह है कृष्ण के साथ में हो। महाराज कृष्ण के साथ में विवाह हो तो शिशुपाल बरात लेकर के आ गया रुक्मी के कहने से। और सजनों जब शिशुपाल बरात लेकर के आ गया, इधर भगवान श्री कृष्ण भी आ गए, और सजनों रुक्मणी का पत्र पढ़ करके भगवान कृष्ण भी आ गए, और रुक्मणी का हरण करके भगवान कृष्ण लेकर के गए। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। भगवान कृष्ण लेकर के गए, द्वारिका में आए, और द्वारिका में आने के बाद में आधे द्वारिका वासी कन्या पक्ष के आधे वर पक्ष के बने, और बड़े धूमधाम से महाराज भगवान का मंगल में विवाह संपन्न हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे सब झूमो नाचो वो आने वाला है, सब झूमो नाचो वो आने वाला है, पगड़ी बांध रहा